हेलो एवरीवन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स आशा करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जोर शोर से हुई होगी और उससे भी ज्यादा जोर शोर से अल्लाह बोलकर आप अपने पेपर में आएंगे फिनिशिंग दे रहे होंगे आप इस दौरान और इन फिनिशिंग टचेस में एक छोटा सा योगदान मेरी तरफ से सी ए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स के पेपर से रिलेटेड पिछले कई दिनों से जब मैं स्टूडेंट्स के डाउट्स सॉल्व कर रहा था एंड आई हेड इन्वाइटेड डाउट्स ओपनली फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ सी एनल एंड नॉट जस्ट अवर स्टूडेंट आई टेकन लेक्स एंडिंग बहुत सारे डाउट कुछ ही क्वेश्चन से रिलेटेड थे ज्यादातर ये जो डाउट आ रहे हैं ये सब अपने आप में कोई ऐसे डाउट है जहां इंस्टीट्यूट ने ही अपने मटीरियल में एक जगह दूसरी जगह अलग अलग ट्रीटमेंट कर दिया नवंबर ट्वेंटी में कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन का क्वेश्चन आया एम्प्लॉय को कम रेट पे लोन दिया उसका सोल्यूशन नवंबर 20 सेम क्वेश्चन आज इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल 2021 के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में भी उसका ट्रीटमेंट अलग है अब हमने जब क्लास करी थी तो हमने डिस्कस किया था भैया ये मुद्दे हैं ये कन्फ्यूजन है ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूट ने किया भी डिस्कस कि भैया इसको इस तरह से आप एग्जाम में अगर आए तो हैंडल कर लेना बट लास्ट मिनट में होता है कई बार इस तरह के कन्फ्यूजन वापस पॉपअप कर जाते हैं एंड देन अलॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो नाउ वेन दे बीन स्टार्टिंग इन डिटेल नाउ दे आर फाइंडिंग पॉसिबली काइंड ऑफ बोला कोई दिक्कत नहीं है छोटी मोटी बातें एक बार अगर इस पर कोई क्लैरिफिकेशन मिल जाए तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और पंप हो जाएगा कि चलो बढ़िया यार छोटी मोटी कहीं बातें अपने को ऐसी लगी थी कि स्टडी मटीरियल में लिखा है इसलिए ऐसे का ऐसा करके जाएंगे अब उसका हमें रीजनिंग भी मिल गई क्लैरिफिकेशन भी मिल गया तो मैंने देखा कि स्टडी मटीरियल ट्वेंटी ट्वेंटी वन में जो इंस्टीट्यूट ने नए क्वेश्चन एड किए जो हमारे स्ट्राइकर थ्री पॉइंट टू में भी है ज्यादातर ये डाउट्स उनमें से रिलेटेड उन कुछ क्वेश्चन में है या कुछ कंसेप्टीडियो में।, तो में वो सारे नए क्वेश्चन ट्वेंटी जो पहली बार आए जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है या जिसमें मुझे लगता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहले कभी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं था भले ही वो इन डेज का पार्ट है और बहुत अच्छे से क्लासेस में डिस्कस करा हुआ है बट फॉर द हेल्प ऑफ मासेस इट कुड बी अ न्यू क्वेश्चन एंड कुछ कुछ जगह जहां पे थोड़े से कन्फ्यूजन है या कोई नई चीजें आ गई एज इन थोड़ा सा ट्रिकी मैटर आ गया जैसे डिफर टाइप ऑन लीज या लीजसे के ऊपर या इंटर कंपनी ट्रांसफर इन रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएट्स जॉइंट वेंचर्स या बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन रेट एनुअल या एक क्वेश्चन है जिसमें चार महीने का है या स्पेसिफिक बोरिंग में क्वालिफाइंग असेड रेडी टू यूज हो गया तो फिर उसकी स्पेसिफिक बोरिंग को जेनरिक बोरिंग क्लासिफाई नहीं करना ऐसी कुछ कुछ जगह छोटे मोटे डाउट्स ये वीडियो में मैंने इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल और जहां कुछ इस तरह के डाउट्स पैदा पॉसिबली स्टूडेंट के दिमाग में हो सकते हैं बहुत ज्यादा एरिया नहीं है थोड़े बहुत वो सब मैंने यहां कवर कर लिया और आप इसे समय बचाकर देख सके इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम चैप्टर और कौन सा क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है अगर आपके पास थोड़ा समय हो जो होता नहीं है नॉर्मली तो आप इस वीडियो को पूरा देखें आई एम श्योर इट विल बेनिफिट यू अलॉट अदरवाइज अगर आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ लो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से रिलेटेड तो शायद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका रेफरेंस दिख जाएगा आप उतना सुन लीजिए इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है नाइन टू ट्रिपल जीरो सेवन नाइन ट्रिपल जीरो पर व्हाट्सएप कर दीजिए आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपन हमारे डिस्कशन की एंड आई बी टाइम एफिशिएंट सत्तर अस्सी मिनट में मैं, मैं कोशिश करूंगा कि सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे क्वेश्चन से रिलेटेड यहां पर आपके लिए कवर कर दूं और उम्मीद है मुझे कि दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू और बेनिफिट यू ऑल लाउट जस्ट इन केस इफ यू हर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और कंफ्यूजन एट एनी पर्टिकुलर प्लेसेस जस्ट टू काइंड ऑफ क्लैरिफाइड एट द लास्ट मोमेंट सर यह आखिरी समय पर क्यों बनाया वीडियो पहले क्यों नहीं बनाया ये हमें लगा ही नहीं था कि कभी इस पे कोई कंफ्यूजन होगा क्यों क्योंकि ये मुद्दे ऑलरेडी क्लास में हम उठा के डिस्कस कर चुके हैं देन लास्ट मिनट में ये जो क्वेरीज इन जनरल अक्रॉस द पॉपुलेशन से आना शुरू हुई तो मुझे लगा कि शायद इसका मास रेलिवेंस है दैट इज द रीजन कि ये आज आपके साथ बना के मैं शेयर कर रहा हूं चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट विद एनालिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर बीन वन ऑफ द लास्ट चैप्टर स्टूडेंट है टेंडेंसी टू मिस इट

अकाउंटिंग में हम इंडेस 109 के अंतर्गत कंपनी को जो एम्प्लॉय से फ्यूचर में इंटरेस्ट प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलने वाला है उसे मार्केट रेट से डिस्काउंट करते हैं जो इस क्वेश्चन में टेन परसेंट है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं पर क्योंकि हम रिकवर सिक्स परसेंट से कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट वैल्यू जो आज हम पैसे दे रहे हैं उससे कम आती है तो मैंने लोन सौ रुपये का दिया है इसकी प्रेजेंट वैल्यू मार्केट रेट टेन परसेंट से डिस्काउंट करूंगा तो लेट्स नाइन्टी आएगी तो जो डिफरेंस टेन रुपीज जो मैंने ज्यादा दे दिया वो मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है जिसे मुझे एक्सपेंसिफेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के अनुसार अकाउंट फॉर करना है इसके इसमें क्योंकि एम्प्लॉय को दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ट्रीट होगा क्वेश्चन ये उठता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कैसे ट्रीट किया जाएगा मजे की बात सुनिए नवंबर 2020 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया कि एम्प्लॉय को भले ही इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि इस लोन के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देना है एम्प्लॉय जब तक कंपनी में काम करेगा तब तक ही ये लोन उसको मिलेगा ऐसा हम मानते हैं इसलिए ये बेनिफिट उन्होंने डेफर कर दिया ओवर द टर्म फॉर विच एम्प्लॉय लोन वॉज गिवन टू जबकि ये सेम क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में अभी है था नहीं है स्टडी मटेरियल 2021 में ये क्वेश्चन आज भी है और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इंस्टीट्यूट ने वो जो एम्प्लॉय को दस रुपए का बेनिफिट दिया है हमने कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन के फॉर्म में उसे पूरा का पूरा वन शॉट पी और एल में डेबिट कर दिया ये कह के कि कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसे देने की जरूरत नहीं है नवंबर 2020 प्लस एसएम 2021 दोनों ये क्वेश्चन सेम है इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में जो सॉल्यूशन बनाया गया है उसमें इस इंस्ट्रूमेंट को या इस लोन गिवन को अकाउंट फॉर करने के दो पार्ट होंगे एक लोन गिवन को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप फाइनेंशियल असेट अमोटाइज कॉस्ट मेथड से अकाउंट फॉर करेंगे दूसरा जो आपने बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया है उसे आप खर्चा बुक करोगे नवंबर 2020 ट्वेंटी में खर्चा लोन पीरियड में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे बुक किया है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में इसे वन शॉट पीआरएल में डाल दिया है कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो उस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप नवंबर 2020 सजेस्टेड आंसर यानी कि डेफर करें रीजनिंग दे के हम अज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्लॉय जल्दी कंपनी छोड़ देगा तो लोन इमीजिएट रीपे करना पड़ेगा इसलिए लोन टन्योर एम्प्लॉय को पूरा करना पड़ेगा अगर लोन पूरे समय तक रखना है इसलिए हम इसे डेफर कर रहे हैं और एक ऑल्टरनेटिव आंसर ये हो सकता था कि पूरा पी में एक साथ डाल दे ऐसा नोट दे दीजिए not further any further discussion on this this is not the point for it the point basically is to just quickly kind of emphasize on the important questions we had a huge amount of discussion for the institute for this particular question still awaiting revert nevertheless अगला क्वेश्चन आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है डिसेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईपीएल तरह के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन मुंबई इंडियंस टाइप की टीम जो प्लेयर्स लेती है उसके लिए उन्होंने एक कहा है कि पहले वाले पार्ट में कहा है कि इन्होंने एक स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें पहले महीने में 140 और फिर 350 करोड़ हर महीने खर्चते गए अज्यूम कर रहा है कि क्वालिफाइंग असेट है स्पेसिफिक लोन नहीं है जेनरिक लोन है और आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन रेट दी हुई है ये रेट से आपको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है वही पूछा है सेकेंड मुंबई चैलेंजर्स प्लेयर खरीदते हैं तो उसके लिए अलग अलग तरह की कॉस्ट पे करते हैं ये सब ऐड होगी और आपकी बुक्स में ये दिखेगा रिपोर्टिंग भी होता है। सेल, सेल किए जा सकते कुछ प्लेयर को सेल भी सेल आउट भी कर दिया है तो थर्टी मार्च के बाद जो प्लेयर सेल आउट हुए थर्टी फर्स्ट मार्च को नॉन करंटेट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई किया है एस पर इंडेस वन और उन्हें उनके कैरिंग अमाउंट और नेट फेयर वैल्यू विच इज लेस कैरिंग अमाउंट का हमें उस पर मेजर किया है तो कोई गेन लॉस नहीं है लास्ट कंपनी में क्वेश्चन में मुंबई इंडियंस में कोई कंपनी कहती है कि आप एक स्टेडियम बना रहे हो जो फर्स्ट पॉइंट में बनाया था उस पर मोंटेरा की बजाय नरेंद्र मोदी जी का नाम डाल दीजिए एज इन कोई कंपनी ने कहा है कि पाँच साल तक इसका नामांकरण हमारी तरफ से कर दो इसके लिए हम आपको पैसे देंगे वो कंपनी में तीन डायरेक्टर हमारी कंपनी में भी तीन डायरेक्टर हैं तो दोनों में तीन डायरेक्टर कॉमन होने के कारण एक रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन आ रहा है जिसके अंतर्गत कहा है कि रिलेटेड पार्टी से आप फंड नहीं ले सकते ये प्रोहिबिटेड है सवाल पढ़ के लगता है अकाउंटिंग रिलेटेड है आखिरकार सवाल ने पूछा है कि क्या नेमिंग राइट अगर लेंगे तो क्या अकाउंट फॉर होगा और सेकेंड फाइनेंशियल रेगुलेशन में आप क्या कहते हैं तो कहा जाएगा कि दो कंपनी में कॉमन की एम पी है तो जरूरी नहीं है वो रिलेटेड पार्टी है हो भी सकती है और नहीं और अगर रिलेटेड पार्टी क्लासीफाई हुई तो फिर उस केस में आप ये इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर वो नहीं हुई तो देन इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फॉर यूर सेल एंड देन उसकी अकाउंटिंग आपकी बुक्स में एज एन इनकम ओवर द पीरियड जितने समय तक आपने उसको सेल ऑफ किया है इनकम बुक की जाएगी अनादर इंपॉर्टेंट गुड क्वेश्चन लॉन्चर रिफाइनरी से रिलेटेड है जिसमें कहा है कि ये जॉइंट ओनरशिप में सीमांचल के साथ अपन ने एक स्टोरेज फैसिलिटी ली है जिसमें 60 परसेंट हमारा शेयर है क्वेश्चन में ये जॉइंट ऑपरेशन है जॉइंट वेंचर नहीं है तो ये जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट है तो हम हमारी बुक्स में 60 परसेंट ऑफ द टोटल असेट लेकर आएंगे इस असेट को अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज के लिए बनाया गया है जिसके अंतर्गत कुछ गैस प्रेशर मेंटेन करने के लिए रखी जाती है ये गैस वो गैस है जो बाद में आप यूज नहीं कर पाओगे इतनी गैस नहीं रही तो प्रेशर नहीं रहेगा और गैस भारी नहीं निकल पाएगी तो ये एक तरह से आप यू कहेंगे कि ये आपका असेट रेडी टू तो यूज करने के लिए एक मिनिमम गैस रिक्वायरमेंट है ये रिकवरेबल गैस को असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करना है ऐसा क्वेश्चन में कहा है नीलांचल ने एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट नैचुरल गैस परचेज करने के लिए उत्तरांचल से किया है जिसके लिए उसने उसको एक एडवांस दिया है यह एडवांस पे उसे साढ़े बारह परसेंट का ब्याज मिलेगा पर यह ब्याज बड़ा अनोखा है कैश में नहीं मिलेगा उसके बराबर की नीलांचल उसको गैस सप्लाई कर देगा गैस का रेट समय के साथ साथ चेंज होते रहेगा जो एडवांस दिया है वो एक्सपेक्टेड प्राइस के बेसिस पर दिया है जितना पैसा अपने को टोटल देना पड़ेगा दस साल की गैस परचेस का वो पूरा का पूरा फ्रंट दे दिया है कोई अगर आगे गैस की प्राइस कम ज्यादा होती है, तो उसको अलग से कैश में सेटल किया जाएगा बढ़िया सवाल पूछा है कि ये जो अपन ने डिपॉजिट दिया है जिसपे साढ़े बारह परसेंट हमें ब्याज मिल रहा है ये डिपॉजिट की अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे द क्वेश्चन हैज और बीन इन द स्पेस इसकी नीलांचल ने ये जो डिपॉजिट दिया है जिसपे साढ़े बारह परसेंट का उसको ब्याज इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा गैसेस मिल रहा है वो उसकी अकाउंटिंग नीलांचल कैसे करेगा क्या ये अपने आप में एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा जिसे हम अकाउंट फॉर प्रमरली डिस्काउंट करके कि आज हमने उसको दिया है कोई ब्याज इसमें कैश में नहीं मिल रहा है तो इसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करके इंटरेस्ट बुक करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में क्या है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने क्यों दिया है बेसिकली टू गेट इज अल्टीमेटली मीटिंग योर ओन यूज और क्योंकि ये आपने अपने गैस परचेस करने के लिए डिपॉजिट दिया है तो ये ओन यूज एग्जामेशन का कैटेगरी का एस सच क्या करेगा तो दिस विल मीट दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑब्जेक्टिव एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यहां पर इस केस में आपको ये नहीं कहना होगा कि यहां ये जो डिपॉजिट हमने दिया है ये डिपॉजिट के बदले में हमें इसे फाइनेंशियल असेट बुक करना है क्योंकि फाइनेंशियल असेट वो है विच इज रिकवरेबल इन कैश दिस इज रिकवरेबल इन फॉर्म ऑफ काइंड इज इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज तो इसकी अकाउंटिंग आपको 109 में करने की जरूरत नहीं है एंड हेंस आप इसे ओन यूज एग्जाम्शन जो हम पढ़ते थे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप नॉन फाइनेंशियल आइटम खरीद रहे हो इस केस में गैस और नेट सेटलमेंट ऑप्शन अगर आपके पास होता है तो क्या आप मानेंगे कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे ओन यूज एग्जामेशन मीट करेगा आप अपने पर्पस के लिए ले रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आप क्या करेंगे यू विल बेसिकली ट्रीट दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट दैट इट इज़ फॉर योर ओन यूजेज और आप इसे एज अ प्रीपेड एक्सपेंस या डिपॉजिट फॉर एडवांस टू सप्लायर जैसा ट्रीट करेंगे इस पर आपको इंटरेस्ट वगैरह की अलग से कोई अकाउंटिंग इनकम करने की ज़रूरत नहीं होगी अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे विच इज़ इनफैक्ट चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बच्चे वापस से जिसमें हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्वॉल्व होगा एक स्टैंडर्ड डाउट कई स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैंने कोई जगह लीस पर ली है और उस पर एक इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसे रेंट डिपॉजिट कहते हैं जो आमतौर पर दिया जाता है तो वो रेंट डिपॉजिट में कोई ब्याज अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करें इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली गिवन इन द एजुकेशन मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर इंडियाज 116 दैट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने लीज के अगेंस्ट में दिया है अगर वो इंटरेस्ट फ्री है तो आप उसे जो इंप्लिसिट इंटरेस्ट रेट है उससे डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो मैंने आपके साथ 10 साल का लीज एग्रीमेंट किया आज मैंने आपको ₹100 सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया आप मुझे ये ₹100 दस साल बाद लौटा दोगे या लास्ट लीज रेंटल से एडजस्ट कर दोगे और मुझे इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा तो मुझे यह मानना होगा कि आज जो मैंने सौ रुपए दिए हैं ये दस साल बाद भी सौ ही मिलेंगे वो दस साल बाद के सौ की आज प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालू डिस्काउंट करके तो शायद इट कम्स टू फोर्टी ओनली तो देखा जाए तो मेरा प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो राइट टू रिसीव है उसकी फेयर वैल्यू आज फोर्टी है पर मैंने आज दिया आपको हंड्रेड है मैंने आपको एक्सेस पे कर दिया सिक्सटी सिक्सटी रुपीज को प्रीपेड रेंट माना जाएगा आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में इसे प्रीपेड रेंट मान के ध्यान से सुनिएगा इसे असेट के साथ डेप्रिशिएट किया है यानी असेट का डेप्रिसिएशन मेथड के प्रपोर्शन में किया एजुकेशन मटेरियल इसे राइट ऑफ यूज असेट में ऐड करने की बात करता है अगर आप राइट ऑफ यूज असेट में ऐड करोगे तो भी असेट की लाइफ में डेप्रिशिएट होगा इन ईदर ऑफ द केसेस ये असेट की लाइफ पे जो डेप्रिसिएशन असेट पे लग रहा है सेम पैटर्न में आप इसे राइट ऑफ करें एग्जाम में आपको ट्रीटमेंट क्या आप फॉलो करना है सही ट्रीटमेंट है राइट ऑफ यूज असेट में ऐड कर देना सजेस्टेड ट्रीटमेंट है कि आप इसे राइट ऑफ यूज असेट कॉमा प्रीपेड लीज रेंटल नाम से जर्नल एंट्री इसकी अलग अलग से दिखाते रहें स्टडी तो मटेरियल से भी अपना आंसर मैच करेगा और एजुकेशन मटेरियल या कंसेप्चुअली सही है उससे भी मैच करेगा आई होप यू अंडरस्टुंड क्वेश्चनिटी डिपोजिट विच हैव गिवन इन लीज अग्रीमेंट वेयर वी विल टेक द फेयर वैल्यू ऑफ द मनी be विल than इन रिटर्न बी लेसर देन द अमाउंट पेड द डिफरेंस एक्सेस have paid पेड इज cost.

परचेस या सेल करने का पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम नेट सेटल कर सकते हैं और थर्टी परसेंट केस में नेट सेटल करते हैं तो बताइए क्या इसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम आने वाले समय में आज अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मार्च में हम आपसे ऑयल खरीदेंगे तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि नेट सेटलमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इसलिए यह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा अनलेस ही ऑन यूज एग्जाम्शन मीट करे और अकाउंटिंग मिसमैच ना हो ऑन यूज एग्जाम्शन तब मीट करता है जब आपका इंटेंशन शुरू में और बाद में डिलीवरी लेने का होता है भले ही नेट सेटलमेंट ऑप्शन है ये डिलीवरी आप अपनी परचेज सेल यूजेज रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए लेते हैं क्योंकि 30% परसेंट केस में आप नेट सेटल कर देते हो यानी बहुत बड़ी प्रोपोर्शन और चांस है कि आप खुद के यूज के लिए नहीं कर रहे हो पहले वाले केस में ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा सेकेंड केस में कहा है कि एक आध परसेंट केस में ही ऐसा हुआ है कि हमने नेट सेटल किया है तो मानेंगे कि ओन यूज़ एग्जामेशन मीट कर रहा है हेंस ये नॉन फाइनेंशियल आइटम का कॉन्ट्रैक्ट है वन जीरो नाइन में डेरिवेटिव की तरह अकाउंट नहीं होगा लास्ट एक्सचेंज के थ्रू हुआ है जहां पे कंपलसरी नेट सेटलमेंट है डिलीवरी होती ही नहीं है तो ओन यूज एक्सामिशन मीट नहीं करेगा तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां भी ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये अपने आप में डेरिवेटिव होगा हालांकि इसकी अकाउंटिंग नहीं पूछी है सिर्फ नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पूछा है एक बहुत ही कॉमन इंटरेस्टिंग बढ़िया शानदार और सिंपल मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन जिसमें मैं कोई मशीन इंपोर्ट नहीं कर रहा आपसे खरीद रहा हूं आप भी इंडिया में मैं भी इंडिया में हिंदी हिंदी भाई भाई मैंने आपको बोला मुझे तुमसे मशीन चाहिए आपने बोला कब मैंने बोला छह महीने बाद आपने बोला ठीक मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट टच करते आपने बोला ठीक मैंने बोला मुझे चाहिए नेट सेटल नहीं करना है मेरी यूजेज रिक्वायरमेंट है आपने बोला ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने बोला कितने की यह मशीन सामने वाले ने कहा कि यह मशीन आपको पड़ेगी साढ़े सात लाख रुपए की मैंने बोला चलो एक काम करो डन अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया छह महीने बाद में दस हजार डॉलर में तुमसे यह मशीन खरीदूंगा सामने वाला कह रहा है कि दस हजार डॉलर क्यों मैंने बोला जस्ट फॉर किक्स कुछ रोमांच होना चाहिए तो मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की मशीन खरीदने की बजाय सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया टेन थाउजेंड डॉलर में मैं मशीन खरीदूंगा अब ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट दस हज़ार डॉलर का इसलिए किया क्योंकि आज रेट सेवेंटी फाइव रुपीज़ है या आज फॉरवर्ड सेवेंटी फाइव पर मिल रहा है छः महीने आगे का तो मुझे लगता है कि आज मैं दस हजार डॉलर में कॉन्ट्रैक्ट करूंगा क्यों क्योंकि मुझे लग रहा है डॉलर आगे जाके सस्ता हो जाएगा और अगर डॉलर सस्ता हो गया तो मुझे फ़ायदा होगा क्यों क्योंकि मुझे साढ़े सात लाख नहीं देना पड़ेंगे अगर डॉलर रुपी सत्तर रुपये का हो गया रुपए टू डॉलर देन इन दैट केस मैं सेवन लाख ,00 रुपीज या टेन थाउजेंड डॉलर विच विल बी वर्थ सेवन लाख ,00 रुपीज पे करके आपसे मशीन खरीद लूंगा आपने किया होगा क्योंकि आपको शायद लग रहा होगा कि डॉलर बढ़ जाएगा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो एट्टी हो गया तो आपको दस हजार डॉलर आठ लाख रुपये मिलेंगे यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ए मशीन मुझे लेना है तो ये नॉन फाइनेंशियल आइटम परचेज का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडिया में कवर नहीं होगा पर क्योंकि दोनों इंडिया में ही हैं और हम कॉन्ट्रैक्ट डॉलर में कर रहे हैं जो कि एक आम कंडीशन नहीं है तो ये इसमें आपने एक डेरिवेटिव जोड़ दिया है एम्बेडेड डेरिवेटिव कहता है कि एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी या नॉन फाइनेंशियल आइटम के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप कोई डेरिवेटिव आर्टिफिशियली एम्बेड कर देते हो तो उसकी स्प्लिट अकाउंटिंग होगी डेरेवेटिव को अलग अकाउंट करना कॉन्ट्रैक्ट को अलग अकाउंटिंग ये होती है ऐसी सिचुएशन में कि आप आज जब कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जो छह महीने आगे का फॉरवर्ड रेट है उस रेट पे आज आप तय कर लो कि मशीन परचेजर बुक करेगा इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट 9 सितंबर को हुआ है डिलीवरी 31 दिसंबर को है और ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट में रिपोर्टिंग डेट 30 सितंबर मानी है कहीं लिखा नहीं है मानी है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 मिलियन डॉलर में परचेज करने का जबकि दोनों इंडिया में थे स्पॉट रेट ट्रिंट्रिन है इसका मतलब कोई मतलब नहीं है हमें इससे ट्रिंटिन हम उसे कहते हैं जो इंफॉर्मेशन कन्फ्यूज करने के लिए दी जाती है 31 दिसंबर का फॉरवर्ड 67.8 है तो समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट 67.8 आप फॉरवर्ड ले नहीं रहे हो पर आप असेट को 67.8 1 मिलियन डॉलर पे रिकॉर्ड करो तो 67.8 मिलियन डॉलर पे आपका असेट अल्टीमेटली रिकॉर्ड होगा ये आज ही तय हो चुका है इसमें कोई डाउट नहीं है बस अब सवाल ये है कि अपने को पैसे कितने देना पड़ेंगे तो 30 सितंबर जो रिपोर्टिंग डेट आई वो रिपोर्टिंग डेट पर 30th सितंबर पर हुआ ये तो यहां पे हमें स्पॉट रेट से मतलब नहीं आपको कहा गया है कि फॉरवर्ड रेट 31 दिसंबर का 30 सितंबर की तारीख पे 30 सितंबर को 31 का फॉरवर्ड अगर मैं लू तो 67.5 है तो आप देखो आप क्या सोचोगे कि मुझे फायदा हुआ क्यों फायदा हुआ क्योंकि आपको डॉलर देना है और डॉलर देना है और डॉलर अगर वीक हो गया रुपी स्ट्रांग हो गया तो आपको फायदा है तो पॉइंट थ्री इंटू टेन लाख यानी तीन लाख का आपका फायदा है और जब सेटल करने गए तो सिक्सटी सेवन का हो गया तो आपका पांच लाख का फायदा और ये डेरेवेटिव इंस्ट्रूमेंट में आपको फायदा हुआ है इसे आप गेन बुक कर दें एक मेरी टिप ले लो फॉरवर्ड एक्चुअल में लिया नहीं है ये सिर्फ सोच है एक अकाउंटिंग के लिए एक्चुअल में आपने कोई फॉरवर्ड नहीं लिया नेक्स्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव बाय कॉन्ट्रैक्ट अलोन यानी कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करने लायक इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर कर दिए अगले पे आए बिजनेस कॉम्बिनेशन यहाँ पे सीता और बीटा दो अलग अलग कंपनियां थी दोनों मिलके डीएलसी बन गई नई कंपनी में सीता का एस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में

सीता अगर एक वायर बनी है तो सवाल ये उठता है कि ये ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर कैसे करेंगे हम तो बीता की सारी की सारी एसेट्स फेयर वैल्यू पर आएंगी नंबर वन. और पीसी जो जो माना जाएगा वो बेसिकली बीता को जो इस नई पर्टिकुलर कंपनी में जितने की फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स मिले हैं वो पीसी माना जाएगा इन फैक्ट क्योंकि बीटा के पास शेयर्स अभी भी हैं तो वो उतने की उत्ती एनसीआई बन जाएगी तो उस लॉजिक से एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट है जिसमें आपको यह कहा है कि एनसीआई अस्सी करोड़ की हो गई विच इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ बीटा लिमिटेड और सत्तर करोड़ के आपके पास असेट आ गए यानी आप सोचने के लिए सोचोगे कि मैंने उस कंपनी को खरीदा है जिस कंपनी की ए वैल्यू अस्सी करोड़ मानी गई है लेकिन बी उसके असेट की वैल्यू सत्तर करोड़ है तो दस करोड़ की गुडविल है थ्योराटिकल छोटा क्वेश्चन है चार एक मार्क के लिए कभी एग्जाम में आ सकता है इसलिए क्रिटिकली में था इंपॉर्टेंट मैंने कवर किया इंक्लूड किया इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन है रेयर चांस इस तरह का क्वेश्चन आ सके पर आ सकता है और गलती हो सकती है बहुत डायरेक्ट सिंपल है समझ लो जब भी कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन होता है यानी कि ए और बी दोनों एक ही के कंट्रोल में थे और मिक्स हो के सपोज वो सी बन गए या ए में मर्ज हो गए तो समझो ए और बी दो अलग अलग एंटिटी थी पर कंट्रोल दोनों पे ही एक्स का शुरू से था ए ने बी को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये मिलके एक बन गई सपोज ये एब्जॉर्बन साल के बीच में हुआ तो बी के आप जिस दिन लेट्स से फर्स्ट अक्टूबर को हुआ तो एक अक्टूबर के बाद के बी के इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट्स आप ऐड नहीं करोगे उससे पहले के भी करोगे यही नहीं प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिव भी करोगे बस इतना ध्यान रखना है कि सपोज ए और बी दोनों पे कंट्रोल एक्स का था लेकिन एक्स का कंट्रोल लेट्स से फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर के मिड में आया था तो इसको ऐसे उदाहरण के लिए ले लो कि 1st अक्टूबर 2020 को X ने B पे कंट्रोल एक्वायर किया A तो शुरू से उसके कंट्रोल में 1st अक्टूबर 2021 नेक्स्ट ईयर में A ने B को अब्सॉर्ब कर लिया दोनों उस समय X के कंट्रोल में थे तो जो A के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसमें जो प्रीवियस ईयर फिगर आएंगे उसमें A के तो पूरे साल के आएंगे पर B के 1st अक्टूबर 2020 से

इस साल के दौरान कभी या पिछले साल के दौरान कभी आया था थर्ड पार्टी का दोनों एंटिटी पे तो जब आया था उसके बाद से ही आपने जो एंटिटी को मर्ज किया है उसके प्रीवियस ईयर फिगर्स शामिल करें आई होप यू अंडरस्टैंड एम से चल अगला सवाल है बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है स्टूडेंट के कहों के डाउट्स आए इसलिए मैंने कवर कर लिया थियोराटिकल नेचर का है इसमें कहा कि दो एंटिटी है एक एंटिटी ए है जिसके बहुत सारे ओनर्स हैं ये ग्रुप के द्वारा मैनेज है और एक एंटिटी बी है जिसमें एक ही व्यक्ति उसका ओनर है राम हुआ ये है कि ए और बी बिजनेस को कंबाइन कर रहे हैं और ए बी में मर्ज हो रहा है बी में ए मर्ज हो रहा है तो बी अपने शेयर ए को इशू करेगा तो उन्होंने किया ये कि बी ने अपने शेयर पहले अपने ओनर को दिए राम को और उसको कहा कि तुम उनको दे देना तो हुआ ये एक समय के लिए कि इन लोगों ने अपने शेयर्स किसको दे दिए राम को बी ने इनको जो शेयर देने थे वो राम को दिए ताकि राम उसे आगे दे दे ट्रांजिशन में ऐसा हुआ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया जहां पे राम के पास ए और बी दोनों के शेयर्स आ गए थे तो सवाल ये पूछ रहा है कि ए और भी एंटिटी दोनों मर्ज हो गई है और बी में कंबाइन हो गई है तो क्या ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों को कंट्रोल करने वाला राम था तो इंडेज साफ कहता है कि अगर ट्रांजिशनरी कंट्रोल आता है कोई एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ समय के लिए एक पार्टी के पास पूरे शेयर एकत्रित है, हैं तो तो ये नहीं माना जाएगा कि ये अपने आप में एक कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है इसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो कंट्रोल आया है अल्टीमेटली एक पूरे अरेंजमेंट के अंतर्गत आया है जहां पे एक दूसरे को एक्वायर कर रहा है और उस दौरान कुछ समय के लिए एक जगह पर सारे शेयर्स होल्ड किए गए तो यह कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन नहीं है माना जाएगा कि बी ने ये एक को एक्वायर किया है दिस इज अनदर क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है जिसका इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर दिया था फिर अपन ने उसको सही करवाया देर हो गई थी क्योंकि सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट ने गलत पब्लिश कर दिए थे इसलिए मैंने शामिल कर दिया है अब इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल को इसको सही शामिल किया है एक कंपनी कोई दूसरी कंपनी को बिजनेस कॉम्बिनेशन में एब्सॉर्ब कर रही है इस एब्जॉर्बन के अंतर्गत कई सारी इंटेंजिबल असेट्स उस कंपनी की मेरे पास आई है ध्यान रखना कि अगर आप कोई कंपनी को खरीदते हो और उसकी कोई इंटेंजिबल असेट आपके पास आती है तो इर ऑफ वो उसकी किस वैल्यू में उसकी बुक्स में आ रही है आप उसे फेयर वैल्यू पे लेके आओगे बस तो उसकी कोई पेटेंट आपके पास आई है उसकी फेयर वैल्यू आपको दिया दस करोड़ आप वो ले लीजिए लग रहा है आगे पंद्रह भी हो सकती है छोड़ दीजिए सिमिलरली आपने एक और पेटेंट उसकी करी कंपनी की तो उसकी एक और पेटेंट आपके पास आ गई उसकी कॉस्ट दी हुई है, करोड़, हम बोलेंगे ट्रिन ट्रिन है, मार्केट है जो सरकार ने इसको फ्री में दिया था किसको जो मैं कंपनी खरीद रहा हूं उसे पर आज उसकी मार्केट वैल्यू दस करोड़ के बराबर है तो हम बोलेंगे दस करोड़ ले लो तो सिंपल ध्यान रखना इंटेंजिबल अट सारे फेयर वैल्यू पे आएंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है तो नेक्स्ट कंसोलिडेशन से रिलेटेड कुछ छोटे से सवाल इसमें हालांकि एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर में ज्यादा सवाल इंस्टीट्यूट ने ऐड किया सब्सिडरी का कंट्रोल मेरा दो ट्रांजैक्शन में खत्म हुआ है मेरे पास 80 परसेंट था पहले मैंने 25 परसेंट बेचा फिर 55 परसेंट और बेच के जीरो कर दिया पर ये दोनों ट्रांजैक्शन आस पास में हुए एक महीने में दोनों ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गए तो मैं क्या मानूं पहले मानो 80 में से 25 परसेंट गया तो इट इज अ ट्रांजैक्शन विद इक्विटी पार्टिसिपेंट क्योंकि कंट्रोल इज मेंटेन्ड और फिर बचा हुआ 55 परसेंट गया तो कंट्रोल लॉस हुआ तो उस एक महीने की अकाउंटिंग ऐसे करूं तो इंडिया में साफ साफ दिया हुआ है कि अगर सेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट वन ट्रांजेक्शन जो नॉर्मली देखा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू

और 55 फाइव परसेंट जब बेचा तो मान लो कि सेल करने पे टोटल मुझे आठ लाख रुपए सेल कंसिडरेशन मिला है आगे कहा गया है कि भैया इसकी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नौ लाख और एक लाख अस्सी हज़ार नेट असेट्स और एन इतने की है यानी नेट सात बीस से सा आठ लाख मिले अस्सी हज़ार का प्रॉफिट ऑन डी रिकॉग्निशन बुक कर कभी बोलते नहीं अग्रीमेंट पच्चीस स्टेक सेल के समय ही हो गया था कि पूरा कंट्रोल लॉस होने वाला है और सिर्फ हमें पेमेंट अभी कुछ मिला बाकी बाद में मिलेगा तो इसलिए अभी कुछ शेयर ट्रांसफर किया तो आप इसी दिन डी रिक्नाइज कर दीजिए और साढ़े पाँच लाख रुपए रिसीवेबल बुक कर दो एज एन बेसिकली पैसे लेने एक महीने बाद आ गए खत्म हो गया तो अस्सी हज़ार का प्रॉफिट आप सेम डे पे बुक कर दोगे इन्होंने कहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और एनसीआई दोनों डेट पे सेम ऐसा हमने अज्यूम किया है कन्फ्यूजिंग तो हो सकता था क्वेश्चन इसलिए मैंने कवर कर दिया इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन इसमें आप जॉइंट ऑपरेशन की एक पार्टी है जिसका 60 परसेंट इंटरेस्ट है हो सकता है कि एक का 60 हो ज़रूरी नहीं है कंट्रोल है क्योंकि लिखा हुआ है कि यूनानिमस डिसीजन मेकिंग चाहिए दोनों मिलके डिसीजन लेंगे अब इस केस में हुआ यह है कि अपन दो लोग मिलके एक जेवी लेके बैठे और उस जेवी को मैंने एक असेट बेच दिया जो मैंने असेट बेचा वो एक्चुअली सौ रुपए की कॉस्ट का था या मेरी बुक्स में था और मैंने अस्सी पे सेल कर दिया किसको मेरी जेवी को तो मुझे तो भी का नुकसान हो गया अब अगर ये नुकसान रिकवरेबल है यानी कि अल्टीमेटली मार्केट वैल्यू गिरी नहीं है तो आप क्या करना सिर्फ उतना नुकसान बुक करना जितना आपको बेसिकली क्यों हुआ है क्यों क्योंकि क्यों वो आउटसाइडर का स्टेक है जे वी में यानी फोर्टी परसेंट हमारा नहीं है तो वो रियल नुकसान है बाकी तो अगर मैं उसे कम पे बेच रहा हूं तो वो भी आगे जब बेचेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ के होगा और उसका सिक्सटी परसेंट मेरे पास ही आएगा तो मैं सौ में बेचूँ या अस्सी में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मेरा हंड्रेड स्टेक उस कंपनी में होता पर अगर सिक्सटी परसेंट है तो फोर्टी परसेंट का फर्क पड़ेगा तो इसलिए लॉस आप आठ रुपए का ही बुक करो अज्यूमिंग रिकवरेबल है लेकिन उल्टा हुआ ट्रांजेक्शन मैंने जेवी से कोई असेट अस्सी रुपए की खरीद ली तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस उसकी बुक्स में सौ की आ रही थी और मैंने अस्सी में खरीदी तो मुझे तो कॉस्ट प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा अब जेवी में क्या होता है अगर ये जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट है ना कि जॉइंट वेंचर इस केस में जेवी नहीं है जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट है तो ऑलरेडी उसका असेट जो उसकी बुक्स में सौ रुपए पे आ रहा था मेरी बुक्स में वो ऑलरेडी मैं सिक्सटी परसेंट साठ पर ला रहा हूँ क्योंकि जॉइंट कंट्रोल्ड ऑपरेशन या जॉइंटली कंट्रोल्ड असेट जिसमें होते हैं उसमें हम हमारा परसेंटेज स्टेक अपनी शेयर असेट्स का बुक कर लेते हैं तो ऑलरेडी मैं उसे सिक्सटी रुपीज़ में ला रहा हूँ अब खरीद लिया मैंने तो वो पूरा मेरा हो गया तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने कितने में खरीदा 80 मेरा उसमें एक्चुअल में परसेंटेज परचेस कितनी हुई 40 परसेंट क्योंकि 60 तो पहले भी मेरा था तो मैं मेरी बुक्स में असेट को सिर्फ थर्टी टू से बढ़ाऊंगा नेक्स्ट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बड़ी विचित्र अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ने दी है अभी जो है वैसी ही समझ लो एग्जाम में है तो वैसी ही करना पहले क्वेश्चन ने बोला है कि एम की एक एसोसिएट है जिसका नाम है एन पहले केस में बोला है कि चार लाख रुपए की इन्वेंट्री है जिसमें दस परसेंट चालीस हजार का प्रॉफिट है जो एन से हमने है। तो अपन ने पढ़ा है है कि इस केस में सिर्फ शेयर इन प्रॉफिट हटाया जाता अनलाइक सब्सिडी जहां पूरा हटाते हैं तो क्योंकि मेरा इसमें फोर्टी परसेंट स्टेक है चार लाख की इन्वेंट्री में चालीस हजार का प्रॉफिट उसमें मेरा फोर्टी परसेंट यानी सोलह हजार में सोलह हजार रुपए हटा दूर किसके पास इन्वेंट्री है एम के पास तो एम अपनी इन्वेंट्री को क्या करेगा सिक्सेंड रुपीज से कम कर देगा तो इस केस में में क्वेश्चन कहा गया है कि भाई मैंने किसेंट इन्वेस्ट किया है और दस लाख रुपए की इन्वेंट्री सेल हुई है उस पर एक लाख रुपए का प्रॉफिट है चार लाख की बची तो उसका दस परसेंट हो गया चालीस हजार चालीस हजार रुपए में प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखा जाए तो मेरा मार्जिन सोलह हजार का है तो मैं सोलह हजार रुपए हटा दूंगा किससे इन्वेंट्री से क्यों क्योंकि एम की बुक्स में इन्वेंट्री आ रही है एंट्री बुक्स ऑफ एम है ये वाला ट्रांजेक्शन एकदम बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है परफेक्ट है प्रॉब्लम अगले में अगले में ये बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री जो रखी हुई है वो एन के पास रखी हुई है इसके पास रखी है इसने इसको बेची ये फोर्टी थाउजेंड का इसमें प्रॉफिट है चार लाख की इन्वेंट्री है और इसमें एम ने चालीस हजार प्रॉफिट कमाया अब ये अनरियलाइज प्रॉफिट अगर मुझे हटाना है तो मैं मेरा स्टेक कमा चुका हूँ ऐसा मानूंगा जो मेरा स्टेक नहीं ऐसे वो है सिर्फ उतना हटाएंगे तो अनरियलाइज प्रॉफिट इनफैक्ट राधर उल्टा कह दिया मैं ये कहूँगा कि मेरा फोर्टी परसेंट स्टेक है तो मैं उतना ही हटाऊँगा क्यों क्योंकि मैं उसके प्रॉफिट अपनी बुक्स में उतनी ही लाता हूँ तो यहां पे क्या हुआ मैंने एम को गुड्स बेचे उस उसमें मैंने प्रॉफिट कमाया ये चालीस हजार रुपए का प्रॉफिट मैंने कमाया कितने का माल बेच के तो मैंने बेचा दस लाख का उसने आगे छह लाख बेच दिया वो रियलाइज है चार लाख का उसके पास स्टॉक रखा हुआ है जो उसने नहीं बेचा ये अनरियलाइज्ड है ये फोर लाख में एम ने कितने का प्रॉफिट कमाया फोर्टी थाउजेंड का ये पूरा फोर्टी थाउजेंड डी रिक्नाइज या रिवर्स नहीं करना है सिर्फ इसका जो आपका स्टेक है एन में उतना फोर्टी परसेंट सोलह हजार ही रिवर्स करना तो एंट्री क्या होना चाहिए थी यहाँ पे प्य आर एल डेबिट होना था और क्रेडिट होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्यों क्योंकि आपने क्या किया है इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए फॉर द सिंपल रीजन कि भाई अल्टीमेटली अगर अपने को हो वहां का कोई प्रॉफिट कम करना है तो अब मेरी बुक्स में इन्वेंट्री तो है नहीं जो मैं कम कर दू तो मैं इन्वेस्टमेंट कम कर दू तो यहां पर इन्होंने एक बड़ी अजीब सी अकाउंटिंग करी इन्होंने चार लाख की सेल का फोर्टी परसेंट ही रिवर्स कर दिया और इन्वेस्टमेंट सोलह हजार से कम किया वो तो ठीक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड उन्होंने 40 परसेंट की रिवर्स कर दी जबकि इंडेस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एसोसिएट जेवी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एलिमिनेट करना है ये एंट्री कब करते हैं जब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन भी एलिमिनेट होते हैं जो सब्सिडरी में होते हैं जेवी एसोसिएट में इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एलिमिनेट नहीं होते यानी मेरे हिसाब से एंट्री होना थी पी आपका शेयर एंड प्रॉफिट से आप पी सिंपल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट पर सेल और ऐसा किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जाम में ये एंट्री करें भले लगे तो एक नोट दे दें <coughs> एक बड़ा ही निहायती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बट इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया ऐसा कहीं क्वेश्चन था नहीं मटीरियल में पहले ए होल्डिंग का सब्सिडरी मिस्टेक होने के बाद अगर सब्सिडरी में लॉस होता है जिससे उसकी नेटवर्क नेगेटिव हो जाती है तो हो सकता है कि मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे पहले कहते थे और एफ एन सी आई कहते हैं, उसे नेगेटिव कर दूं। लेकिन बी अगर कोई मेरी सब्सिडरी नहीं है जेवी या एसोसिएट है मैंने इसे एक लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और मैंने उसमें फिफ्टी परसेंट स्टेक लिया है और उसमें समझो 2.5 लाख का लॉस हो गया मेरा शेयर 1.25 लाख मैं इन्वेस्टमेंट से ही माइनस करता हूँ शेयर इन प्रॉफिट एड शेयर इन लॉस माइनस एक लाख का इन्वेस्टमेंट में वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस करूंगा तो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाएगा अगर मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है पैसे चुकाने की यानी अनकॉल्ड कैपिटल नहीं है कोई गारंटी नहीं दी है तो इंडेस 28 कहता है कि भैया आपको कोई पूरा लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है इक्विटी मेथड में आप एक काम करो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम जीरो पे लेके आना यानी आप शेयर इन लॉस आई रिपीट इंपॉर्टेंट शेयर इन लॉस सिर्फ उतना बुक करना जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट जीरो से नीचे ना जाए लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर के अलावा कोई और फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जो आपका उसमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इंडिकेट करता है स्ट आपके उसमें है अलग फॉर्म में अदर देन इक्विटी उससे भी आप लॉस एडजस्ट कर सकते हो परंतु वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लॉस एडजस्ट करते समय ध्यान रखना कि उन अदर इन्वेस्टमेंट को आप पहले एस पर इंडेस 109 जीरो नाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वैल्यू करोगे इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में मेरे पास 25 इक्विटी शेयर शेयर है है प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म लोन है जिनके कैरिंग अमाउंट दिए हुए मुझे क्या करना है यह सब कहा गया है क्वेश्चन में कि यह सब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट शो करता है और मेरा इसके अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट या लाइबिलिटी नहीं है इस कंपनी में अब लॉस का अलोकेशन का क्वेश्चन है तो पहले इन्होंने बोला है कि प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन चेंज हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 50,000 हजार से कमी तो आप पहले ये करिए तो इसके बाद आपकी प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगी यहां पे बोला है कि भाई देखो अब प्रेफरेंस शेयर को एफफी पे मेजर किया है क्वेश्चन ने और लॉन्ग टर्म लोन पे एसीएम मेथड लगाए एसीएम में अपन कॉस्ट पे कैरी करते हैं हालांकि इंपेयरमेंट लॉस एसीएम में बुक हो सकता है इस क्वेश्चन में जो इंपेयरमेंट लॉस बुक किया है वो क्रेडिट इम्पेयड मान के बुक नहीं किया है ऐसा माना है कि भाई प्रोविजन बनाए तो पचास हज़ार का ये लॉस है तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ का पर अब सोलह लाख का यहाँ पे क्या हुआ एंटिटी का शेयर है लॉस में एसोसिएट से तो अब आप सोलह लाख सबसे पहले आप किससे एडजस्ट करोगे इक्विटी तो आपकी इक्विटी को आप क्या क्या करना पड़ेगा जीरो पे लाना पड़ जाएगा दस लाख का लॉस अलोकेट हो गया फिर भी कितना बचा छः लाख ये किससे एडजस्ट करोगे प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से यू विल हैव टू एडजस्ट तो यहाँ लिखूँ अगर मैं फर्स्ट ईयर में इक्विटी शेयर कैपिटल से दस लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पाँच लाख का था पर पहले मैंने उसको एज पर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड वैल्यू किया तो साढ़े चार लाख का बचा है तो वहाँ से साढ़े चार लाख अभी डेढ़ लाख का मैं लोन से एडजस्ट कर सकता हूँ लोन मेरा टू पॉइंट फाइव लाख पे तो ये यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा तो इफेक्टिवली ये मेरा जीरो हो जाएगा और ये मेरा डेढ़ लाख के लॉस के बाद एक लाख का बचेगा अब नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू पचास हज़ार और डिक्लाइन हो गई पर मैं तो जीरो कर चुका हूँ तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा जो फिफ्टी थाउजेंड का लॉस इसमें मैंने अलोकेट कराया था वो बैक करूंगा तो वो बैक करेंगे तो उसको किसको बियर करवाना पड़ेगा आई हैव टू गेट दैट थिंग बोर्न बाय द लॉन्ग टर्म लोन तो लॉन्ग टर्म लोन मेरे एक लाख से पचास हजार के हो जाएंगे क्यों क्योंकि मैं ये मानूंगा कि लास्ट ईयर मैंने पचास हजार लॉस अलोकेट किया फेयर वैल्यू का और फोर पॉइंट फाइव लाख अलोकेट किया किसका शेयर इन लॉस ऑफ एसोसिएट तो मैं 4.5 पॉइंट लाख जो अलोकेट किया है वो गलत कर दिया चार लाख ही करना था कोई बात नहीं गलत नहीं किया उस समय के हिसाब से ठीक था पर अब मैं चार लाख ही लूंगा तो पचास हजार मेरा फेयर वैल्यू नुकसान पहले बुक कर तो अगर लास्ट ईयर चार लाख बुक किया होता इसमें तो एक लाख किस में बुक किया होता लॉन्ग टर्म लोन में तो लॉन्ग टर्म लोन से एक लाख बुक किया होता तो लॉन्ग टर्म लोन जो एक लाख का बचा है वो पचास हजार कहीं बचता कोई री नहीं करना है गलती नहीं है काउंटिंग ऐसी हुई ठीक है तो ये फिफ्टी बुक करके ये नील का नील पे रह जाएगा ये पचास का ही बचेगा अब दो लाख का लॉस हो गया तो अब आप इसमें पचास हजार यहां से बियर कर लोगे तो फिफ्टी यहां से बॉन कर लेंगे तो ये फिर इफेक्टिवली जीरो बचेगा ये भगवान अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ नेक्स्ट ईयर इसमें एक लाख रुपए का फेयर वैल्यू गेन आया हमने बोला येस तो अब इससे आप एक लाख पे लेके आ जाइए इसमें भी इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल हो गया तो ये भी पचास हजार से बढ़ गया तो ये दोनों आ गए पर अब आप देखो लास्ट ईयर अपन ने कितना अनअलोकेटेड लॉस रखा था डेढ़ लाख का अनअलोकेटेड था क्योंकि दो लाख में से पचास हजार ही अलोकेट हुआ था आई नो यू वी ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीज टॉपिक्स ऑल्ली और आई एम जस्ट काइंड ऑफ ट्राइंग टू गिव यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द लास्ट मोमेंट की आप चाहें तो एक बार इसको रिव्यू करना चाहें कहीं कर डाउट है तो क्लियर कर ले तो ये बचा कितने का डेढ़ लाख का अनओलोकेटेड लॉस था तो अगर आपको अब आप मौका मिला है तो आपको अलोकेट करना पड़ेगा तो अब आप यहाँ पे एक लाख का लॉस यहाँ से फिफ्टी के का यहाँ से अलोकेट करके इफेक्टिवली इन सबको वापस से जीरो जीरो पे ले आओगे चलिए रात के बाद सुबह होती है कंपनी में लॉस के बाद प्रॉफिट्स आ जाते हैं यहाँ पे भी आ गए दस लाख का प्रॉफिट हुआ है अब ये कैसे अलोकेट होगा तो नेक्स्ट ईयर पहले पचास हजार रुपये का फेयर वैल्यू गेन हुआ है तो पहले आप ये फिफ्टी थाउजेंड ऐड करो ठीक है अब दस लाख का लॉस है तो पहले आप किस में एडबैक करोगे तो सबसे आखिरी में जिसमें लॉस डाला था गेन सबसे पहले उसमें जाएगा तो सबसे आखिरी में लॉस डाला था बनने लॉन्ग टर्म लोन में क्यों इंडेज ट्वेंटी एट कहता है कि लॉसेस पहले इक्विटी एब्जॉर्ब करेगी फिर यूँ समझो कि कंपनी बंद हुई तो सबसे आखिरी में जिसको पैसा मिलेगा उसको सबसे पहले लॉस देना तो सबसे आखिरी में इक्विटी फिर प्रेफरेंस और उसके आगे लोन आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में जब कंपनी बंद होती है लिक्विडेशन होता है तो जिस ऑर्डर में अपने को जो आखिरी में खड़ा है उसको लॉस पहले देना है या रिकवरी पहले उसको दे जो आगे खड़ा है उसको देना तो यहाँ पे अब आपकी दस लाख का गेन हो गया है तो ये सबसे पहले आप किसको दोगे आप सबसे पहले यू विल गिव इट टू लोन लोन कितने पे ला सकता हूँ मैं तो देखो लोन पे लॉस ज़ीरो हो चुका है तो तीन लाख का तीन लाख पे आएगा कॉस्ट मेथड है तो तीन लाख इसमें ऐड कर देंगे तो तीन लाख तो लोन में ऐड हो गया भैया ये अच्छा हो गया चलो नेक्स्ट स शेयर कैपिटल कितने पे आ सकता है तो आप ऐसे देखिए ओरिजिनली था कितने का पांच लाख का फिर इसमें एक लाख का लॉस हुआ एक लाख का गेन और पचास हज़ार का गेन यानी अगर ये, ये शेयर ऑफ एसोसिएट लॉस नहीं होता तो आज ये फाइव पॉइंट फाइव लाख पे आ रहा होता अभी आ रहा है फिफ्टी थाउजेंड पर तो मैं पाँच लाख इसमें दे सकता हूँ तो पाँच लाख यहाँ गए आठ लाख अलोकेट हो गया बचा दो लाख इसको दे देंगे तो इक्विटी अब दो लाख पे दिखेगी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी प्रेफरेंस पांच प्लस पॉइंट फाइव तो साढ़े पाँच पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखेगा हमारा फाइव पॉइंट फाइव पे आ जाएगा इनफैक्ट और लोन हमारा मैक्सिमम तीन पे आ सकता था तो तीन पे आएगा एंड देन फाइनली इसके बाद में दस लाख रुपए का आपका फिर प्रॉफिट हुआ है ये बढ़ गया तीस हजार से तो ये फाइव पॉइंट एट पर ले आइए फेयर वैल्यू है इसकी ये तीन लाख का तीन लाख और ये पूरा दस लाख आप किसको दे दोगे इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट तो ये बारह वन इम्पोर्टेंट गुड क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर हेल्ड फॉर सेल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपन क्लास में स्पेशल केस डिस्कस करते थे एस एम ट्वेंटी ट्वेंटी वन में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ते थे क्योंकि इंडिया में थे पर क्वेश्चन नहीं थे अब आगे सिंपल सा सवाल है अगर आपका कोई कंपनी में सपोज फोर्टी परसेंट या फिफ्टी परसेंट स्टेक है और वो आपकी जेवी है आप बोलते हो यार इसमें से दस परसेंट मैं बेच दूंगा और चालीस परसेंट रखूंगा तो सवाल यह है कि अभी बेचा नहीं है पर बेच दूंगा तो जो दस परसेंट बेच दूंगा क्या उसे इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर सेल एस फॉर सेल क्लासिफाई करना होगा हाँ करना होगा अब उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी तो जो आपने जिस दिन डिसाइड किया उस दिन तक इक्विटी मेथड लगा लो वो जो कैरिंग अमाउंट है और उसकी जो आज बेचने पे नेट फेयर वैल्यू मिलेगी एवर इज लेस पे वैल्यू कर लो एज पर वन जीरो फाइव सवाल उठता है बचे हुए फोर्टी परसेंट का क्या होगा एंडेस कहता है कि अगर आपका पार्ट इन्वेस्टमेंट बेचने का इंटेंशन है तो बचे हुए पे इक्विटी मेथड लगेगा मजे की बात सुनो कभी ऐसा होता है कि फिफ्टी परसेंट में से आपका इंटेंशन फोर्टी परसेंट बेचने का और दस परसेंट रखने का है तो फोर्टी परसेंट पर वन जीरो फाइव लगेगा दस परसेंट पे अभी भी आप इक्विटी मेथड लगाओगे भले ही दस परसेंट से इन्फ्लुएंस नहीं आता या जॉइंट कंट्रोल नहीं आता पर आज तो आपका जॉइंट कंट्रोल है तो जो बचा हुआ है उसको आज आप इक्विटी मेथड ही लगाओ फिर जब आप ये बेच दोगे तो फिर उस पर भी डी रिकग्निशन हो जाएगा क्यों क्योंकि हम कहेंगे कि अब हमारा क्या है वहां पे कोई कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल बचाएगा तो इस क्वेश्चन में क्या है फिफ्टी परसेंट है दस परसेंट बेचने वाले हैं चालीस परसेंट रखने वाले हैं तो जो बेचने वाले दस परसेंट है वो वन जीरो फाइव में अकाउंट होगा बचे हुए चालीस परसेंट पर इक्विटी मेथड लगेगा आपको ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहे इसके लिए जो ब्रह्मास का अपना टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड शेयर वेस्ट पेमेंट में अपन डिस्कस करते थे क्लास में कि कभी पेरेंट सब्सिडरी के एम्प्लॉय को अपने शेयर देता है तो क्या अकाउंटिंग होती है तो हम देखते हैं कि क्या सब्सिडरी से अपन उसके पैसे ले रहे हैं या नहीं अगर पेरेंट शेयर अपने सब्सिडरी के एम्प्लॉय को देता है और सब्सिडरी से कोई पैसे नहीं लेता है तो फंडा इस केस में एकदम सिंपल है एम्प्लॉय जिसके लिए काम कर रहा है खर्चा वो बुक करेगा पर अगर उसकी जेब से पैसे नहीं लग रहे तो ये मान लो कि उसको इक्विटी मिली है सिमिलरली जो शेयर दे रहा है अगर एम्प्लॉ उसके लिए काम नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का खर्चा बुक नहीं करेगा तो जो उसका खर्चा हुआ है वो मान लो कि इट इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी तो पेरेंट ने सब्सिडरी के एम्प्लॉ को अपने शेयर दिए और अगर सब्सिडी से कोई पैसा नहीं लिया तो जो अकाउंटिंग नॉर्मल होती है फेयर वैल्यू ऑफ जो शेयर दे रहे हैं उसे खर्चा कौन बुक करेगा ओवर द वेस्टिंग पीरियड सब्सिडरी एंट्री क्या करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू ये सब रिजर्व अब नहीं डालेंगे टू इक्विटी बाय पेरेंट डाल देंगे क्योंकि उसको तो शेयर देने और पेरेंट क्या करेगा पेरेंट अपनी बुक्स में जितनी फेयर वैल्यू के शेयर्स वो देने वाला है उतने की क्रेडिट करेगा ईसा रिजर्व शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और डेबिट करेगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अगर कोई रिइंबर्समेंट मिल रहा है हमें तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस जितना पैसा हमें रिम्बर्स होके मिल रहा है उतने की हम क्या अकाउंटिंग कर सकते हैं तो फिर डेफिनेटली उतने का सब्सिडरी खर्चा बुक करेगी जितना उसका रिमबर्समेंट है और बचा हुआ उसकी बुक्स में इक्विटी ही क्रेडिट होगा पेरेंट से और पेरेंट को जितना रिमबर्समेंट मिलने के बाद उसका एक्सेस खर्चा लग रहा है उतना ही इन्वेस्टमेंट में जाएगा तो उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन है कि खर्चा पाँच हजार का है रिमबर्समेंट थ्री सेवन फाइव जीरो का है तो इसके लिए कहा गया है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 5000 कैश और बैंक 3750 और इक्विटी कंट्रीब्यूशन 1250 सौ पचास सब्सिडरी खर्चा कितना बुक करेगी पूरी वैल्यू का इनफैक्ट आई शुड काइंड ऑफ री क्लैरिफाई हर केस में सब्सिडरी पूरा खर्चा बुक करेगी पैसा कुछ नहीं दे रहा तो पूरा इक्विटी अगर अधूरा दे रहा है तो जो दे रहा है उतना कैश जाएगा बचा हुआ इक्विटी खर्चा सब्सिडरी पूरा बुक करेगी पेरेंट पूरा इन्वेस्टमेंट बुक करेगा अगर रि मिल रहा है तो छोड़ के इन्वेस्टमेंट बुक करेगा ये इक्विटी इज नथिंग बट शेयर बेस्ड पेमेंट रेसा लीजेज में अमेंडमेंट से रिलेटेड जो लेसी की बुक्स में क्वेश्चंस थे वो हमने अमेंडमेंट में क्विकली कवर किए छोटा सा एक अमेंडमेंट का जो वीडियो बनाया था उसमें सारे क्वेश्चन भी अमेंडमेंट के कवर कर लिए थे यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने डाले हैं कौन से कोविड नाइन्टीन के कारण अगर लीज मॉडिफिकेशन होता है तो उस कारण से बड़ा ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है लेसर की अकाउंटिंग क्या होगी तो उसके ऊपर ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट जो अमेंडमेंट में दिया था वो नहीं लगेगा वो सिर्फ लेसी के लिए तो लेसर अपनी सामान्य अकाउंटिंग करेगा जो मैं आपको क्विकली बता देता हूं क्या करेगा तो ये कोविड-19 के कारण होता है या कोई और कारण होता अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता इस तरह के तीन क्वेश्चन यहां पे दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन में कहा है कि मैंने ऑपरेटिंग लीज पर कोई जगह दी थी जिसमें मुझे रेंट मिलने वाला था 10-10000 रुपए 3 महीने का रेंट मैंने बोला अभी मत देके काम करना आने वाले कभी 3 महीने में जोड़ के दे देना डेफिनेटली तो ये लीज मॉडिफिकेशन नहीं है क्योंकि जो पैसा आपको मिलना है वही का वही मिल रहा है और ये ऑपरेटिंग लीज है तो कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कोई क्रिटिकल इंपॉर्टेंस लेसर के लिए नहीं है तो आप ये मानोगे कि भैया मैं तो लेसर को डेटर बना दूंगा डेबिट कर दूंगा जब लेना था और ये मानूंगा कि अभी ड्यू नहीं हुआ है तीन महीने बाद ड्यू होगा तब रिकवर कर लूंगा कोई मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग नहीं लगेगी अगले क्वेश्चन में कहा है कि लेसर ने 15,000 पर मंथ की 10 साल की लीज की थी <coughs> उसमें एक लीज इंसेंटिव 6 लाख रुपए का उसने अपनी जेब से दिया था कि भैया आजा ले ले मेरी जगह लीज पे दस साल में वो उसे राइट ऑफ कर रहा था नॉर्मली लीज इंटेंटिव को क्या मानते हैं पंद्रह हज़ार पर मंथ कमाई है और जो ऑफ्रंट खर्चा लग गया ये कमाई का रिडक्शन है पैंडमिक के कारण इन्होंने क्या किया है मई जून जुलाई के रेंटल वेव कर दिए पूरी तरह से जो पहले से प्लान नहीं था तो फिर इसे मॉडिफिकेशन माना जाता है अब ये जो लीज थी ये लीज़ अपने आप में क्या थी तो ये ऑपरेटिंग लीज थी तो ऑपरेटिंग लीज में जब भी मॉडिफिकेशन होता है तो बहुत ही सिंपल फंडा है नई लीज मान ली जाती है तो आपकी बुक्स में अभी क्या आ रहा होगा एक असेट आ रहा होगा क्योंकि ऑपरेटिंग लीज है तो आप अपनी बुक्स में असेट ला रहे हो गए कर रहे हो अब आपने उसको रिवाइज कर दिया तो आप मान लो कि भैया वो लीज खत्म हो गई और नई लीज शुरू हो गई तो आप सिंपली अब क्या करोगे कि जो भी आपका बचा हुआ इंसेंटिव है उसे रिमेनिंग पीरियड ऑफ लीज में आप उसको क्या करोगे डिफर करके बुक कर दोगे और अब जो रही रिवाइज आपको इनकम मिलने वाली हो इनकम बुक कर दोगे जहाँ तक अजेट की बात है आप असेट का डिप्रिसिएशन उसकी यूजफुल लाइफ में वैसे लगाते रहोगे तो ये सिंपल दिमाग नहीं लगाते ऑपरेटिंग लीज में मॉडिफिकेशन होता है तो नई लीज मान लेते हैं अगर कोई इंसेंटिव वगैरह अनोमोटाइज है तो उसे रिमेनिंग पीरियड में कर देते हैं आगे तीसरा एग्जाम्पल है कि हमने चालीस लॉरी आठ साल की लीज पे दी थी और इनकी लाइफ भी आठ साल थी तो इसके लिए फाइनेंस लीज क्लासीफाई हुआ था कोविड का पेंडेमिक आने के कारण इन लीज़ की टर्म को बहुत कम कर दिया गया और कम कर देने के कारण अब ये बस छः महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा ये मॉडिफिकेशन है पर अब मॉडिफिकेशन में आपकी लीज फाइनेंस लीज जो ओरिजिनली थी अब वो बची ऑपरेटिंग लीज इंडेस कहता है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन ऐसा है जिसको देख के लगता है कि अगर ये शुरू में ही होता तो आप लीज को फाइनेंस क्लासीफाई नहीं करते ऑपरेटिंग करते तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको अकाउंटिंग क्या करना होगी यू विल हैव टू डू अ वेरी स्पेसिफिक अकाउंटिंग इन दिस पर्टिकुलर केस आपको सबसे पहले डी रेकग्नाइज करना है अपनी बुक से फाइनेंस लीज रिसीवेबल क्योंकि फाइनेंस लीज आपने दी थी तो आपने अपनी बुक्स में लेसी को एज एन असेट माना होगा अब वो ऑपरेटिंग लीज हो गई है तो आपको उसको डी रेकोगनाइज करना है तो आप क्या करोगे जितने का भी आपका लीज है उसको पर रेकग्नाइज करोगे अच्छा दूसरी तरफ आपकी बुक्स में असेट भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि फाइनेंस लीज पे दिया है तो असेट डी रेकग्नाइज हो गया होगा तो आप क्या करेंगे आप अंडरलाइंग असेट भी अपनी बुक्स में बुक कर लेंगे तो जो कैरिंग अमाउंट होगा असेट का वो क्या होगा तो जितना का लेसी आपकी बुक्स में आ रहा है उतने का आप असेट बुक कर दोगे तो अपनी बुक्स में क्या आ रहा था तो फाइनेंस लीज पे दिया है तो असेट नहीं आ रहा था लेसी आ रहा था तो बस वो लेसी हट के उत्ते का असेट आ जाएगा और आगे से अब इसकी ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग हो जाएगी दो क्वेश्चन थे 32 और 37 नंबर के जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था 32 नंबर के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी इंस्टीट्यूट का जो पुराने मटेरियल का क्वेश्चन था उसमें एक इंटरेस्ट का एक साल का एरर था जो अब उन्होंने करेक्ट और रेक्टिफाई कर दिया है तो प्रॉब्लम खत्म हो गई है क्वेश्चन ऐसा था कि पाँच साल के लिए जगह को लीज पे लिया है तीन साल का रिन्यूअल एक्सटेंशन ऑप्शन है शुरू में लग रहा था नहीं लेंगे कुछ सालों बाद लगाए कि एक्सटेंशन ले लेंगे तो अब आपको लगता है कि आप एक्सटेंशन लोगे तो लीज टर्म बढ़ गई है तो इस पर रीमेजरमेंट मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग होती है तो उस केस में जिस दिन आपने ये डिसाइड किया है उस दिन आप क्या करते हो रिवाइज लीज रेंटल्स निकालते हो आपके कितने रिमेनिंग समय के कितने होंगे और जो रिवाइज नया डिस्काउंटिंग फैक्टर आज है इम्प्लीसिड इंटरेस्ट रेट जो डेट ऑफ

इसमें भी इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिकली अब सॉल्व कर दिया है एलस्ट्रेशन थर्टी सेवन आपके स्टडी मटेरियल में था इसमें इंक्रीज और डिक्रीज साथ में हो रहा था लीज़ मॉडिफ़िकेशन में एक छोटा सा ट्रीटमेंट होता है अगर आपका लीज़ में मॉडिफिकेशन है जिससे स्कोप रिडक्शन हो रहा है तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं कि समझो मेरी लीज थी फॉर एग्जाम्पल दस साल की और आठ साल की हो गई तो जिस दिन ये मॉडिफिकेशन हुआ है ना उस दिन में मैं क्या करता हूँ मैं उस तारीख पर अपना जो राइट ऑफ यूज असेट आ रहा है मैं बात कर रहा हूं लेसी की जिसने क्या कर रखा है तो आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चन बेसिकली आई एम ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख रखे हैं आई एम जस्ट काइंड ऑफ ट्राइंग टू क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट टू यू सो इन दिस पर्टिकुलर केस वॉट लेसी ने कोई जगह लीज पे ले रखी है बुक्स में राइट ऑफ यूज असेट आ रहा है और कुछ समय बाद उसने इसे दस साल के लिए ली थी राइट ऑफ यूज असेट और लीज लाइबिलिटी आ रही थी से उसने पाँच साल बाद अग्रीमेंट को आठ साल का चेंज कर दिया रिवाइज कर दिया अभी भी है फिनेंस लीज ही तो ये स्कोप रिडक्शन माना जाएगा स्कोप रिडक्शन में राइट ऑफ यूज असेट आपका जितनी भी वैल्यू पर आ रहा है उसे परसेंटेज फॉर्म में आप कम कर दो तो समझो आपकी लीज़ दस की थी और अब आठ की हो गई है तो अब आप क्या करना आपकी जो असेट आ रही होगी उसकी रिमेनिंग लाइफ पाँच साल बाद मॉडिफिकेशन हुआ है तो रिमेनिंग लाइफ पाँच है तो आप थ्री बाय फाइव करके असेट ले आइए ये आपका असेट का रिडक्शन है फिर आप लीज़ लाइबिलिटी रिकैलकुलेट करोगे अब तीन साल ही पैसे देना पड़ेंगे तो ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट से अपन डिस्काउंट करके क्या वैल्यू आती है इतने की लाइबिलिटी ले आओ जो भी इसका गेन लॉस आता है वो प्य आर एल में डालता पर इसके साथ साथ में यहाँ पे ऐसा हुआ है कि हमने कोई जगह और एक्स्ट्रा ले ली है और उसका जो लीज रेंट है वो इंडिपेंडेंट है नहीं है इस कारण जो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इसमें मर्ज होके होगा तो आप क्या करना पहले ये अकाउंटिंग रिडक्शन की करना फिर ये जो रिवाइज लीज रेंटल है आपके बड़े हुए ड्यू टू टेकिंग द न्यू स्पेस इसमें अब आपको अकाउंटिंग में नई डिस्काउंट रेट लेना है याद रखना लीज मॉडिफिकेशन में स्कोप रिडक्शन होता है या वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के कारण या वेरिएबल लीज पेमेंट के कारण पेमेंट्स आपके चेंज होते हैं तो फिर उसके इसमें अपन इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करते और अब एक लेसी कब चेंज नहीं करता कोविड नाइन्टीन का अगर उसको प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज करना है था। इसके अलावा अगर आपका स्कोप बड़ा है और सेपरेट लीज अग्रीमेंट नहीं है या कोई भी और कारण है तो इंटरेस्ट रेट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन का लेंगे तो वो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन का इंटरेस्ट रेट लेकर आप देखते हो आपकी लीज लाइबिलिटी क्या आ रही है और अभी बुक्स में क्या है और जो डिफरेंस है उसको गेन लॉस बुक करने की बजाय पूरा आर ओ में डाल देते तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है अभी भी सोल्यूशन में एक ये चार नौ सौ कैलकुलेट किया है इसको करने की बजाय आप इन दोनों की कंपाउंड एंट्री करके कैलकुलेट करोगे तो आसानी से निकल जाएगा रेंट रिलेटेड कंसेशन के क्वेश्चन करा दिए थे आपको ये अपने हो गए थे ये अपने लीज तक के हो गए यानी कि जो अपने लंदी बड़े बड़े स्टैंडर्ड है उनसे रिलेटेड जो जो कुछ इंपॉर्टेंट एस एम ट्वेंटी आए ये उससे रिलेटेड अपना डिस्कशन यहाँ पर पूरा होता है चलिए नाउ आई विल बी बीटल क्विक कवरिंग अदर इंडेस में जो एस एम ट्वेंटी ट्वेंटी वन में नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसमें आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए

बेसिकली कहा यह है कि आपने सितंबर में कोई हेड ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू करी जिसके लिए कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं थी सब जेनरिक बोरिंग्स थी जेनरिक बोरिंग में आपका एक डिबेंचर है और एक ओवर है और अलग अलग समय पर कितने अमाउंट का है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये दिया गया तो जेनरिक बोरिंग में कैपिटलाइजेशन रेट निकाला जाता है तो इन्होंने कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकाला तो इन्होंने हर महीने का ब्याज निकाला टोटल फाइनेंस कॉस्ट निकाल ली और वेटेड एवरेज बोरिंग से इसे मल्टीप्लाई कर दिया प्रॉब्लम यह है कि ये इन्होंने किया है सिर्फ सितंबर से दिसंबर के पीरियड के लिए जब से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ यह जो इन्होंने सोल्यूशन बनाया है नए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है टेस्टी और नॉलेज क्वेश्चन नंबर थ्री ये नवंबर 2020 में पूछे गए क्वेश्चन के कंपैरिजन में ही गलत है क्योंकि जेनरिक बोरिंग में अगर कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं तो आप डिसाइड करते हो मंथली रेट होगा या एनुअल रेट होगा अगर एनुअल रेट होता है तो फिर अपन ये नहीं देखते कि कब काम क्वालिफाइंग एसेट पे शुरू हुआ बंद हुआ हम पूरे साल का क्या बोरिंग थी और एवरेज बोरिंग और एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट से एवरेज रेट निकाल के जितने समय तक काम कंस्ट्रक्शन चला उतने समय तक कैपिटलाइज कर यानी ये सोल्यूशन तभी सही होगा जब आप दो एज्शन लोगे इस क्वेश्चन में नंबर वन बोरिंग भी हमारी जेनेरिक तभी आई है जिस दिन हमारा क्वालिफाइंग एसेट पर खर्चा शुरू हुआ है और दूसरा ही एसेट क्वालिफाइंग एसेट है क्योंकि चार महीने के खर्चे की बात ही की गई है उस एंगल से ये सोल्यूशन इंस्टीट्यूट के ही अपने सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं करता अगर एग्जाम में आ गया है तो मेरे हिसाब से आप दोनों आंसर दे के आ जाना अज्यूमिंग बोरिंग यहाँ से शुरू हुई है तो ऐसा अदरवाइज एनुअल रेट निकालेंगे तो ऐसा मेरा झुकाव पहले वाले की तरफ होगा अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि भैया बोरिंग कब ली मजे की बात यह भी है कि क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया कि अकाउंटिंग ईयर क्या है कैलेंडर ईयर मान के अकाउंटिंग की गई है जबकि क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च मानते हैं तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अगला एक नई बिल्डिंग है सात लाख रुपए की स्पेसिफिक लोन दो लाख का है नौ परसेंट इस पर ब्याज है इसके अलावा जेनेरिक लोन दो हैं आपके और आपका क्वालिफाइंग असेट पे ये चार अलग अलग डेट पे खर्चा दिया गया इकत्तीस जनवरी को असेट कंप्लीट हो गई और आपको कहा है कि कितना कैपिटलाइज करेंगे नॉर्मली आप क्या करोगे आप ये कहोगे अब जो इंस्टीट्यूट करता है वो बोलता है कि पहले मान लो कि स्पेसिफिक लोन यूज़ हुआ है फर्स्ट यूज स्पेसिफिक लोन तो ये डेढ़ लाख पूरा स्पेसिफिक लोन से यूज हुआ और ये दो लाख में पचास हजार स्पेसिफिक से यूज हुआ है और बचा हुआ डेढ़ लाख जेनरिक से यूज हुआ है ऐसा माना इससे फायदा नुकसान क्या होगा तो जेनेरिक में अपन क्या करते हैं और स्पेसिफिक में क्या करते हैं तो स्पेसिफिक का पूरा जब तक आपका असेट कंस्ट्रक्शन शुरू होकर टू यूज होने तक की पूरी कॉस्ट कैपिटलाइज कर देते हैं भले ही खर्चा कितना भी यूज हुआ कि पर जेनेरिक में जितना खर्चा हुआ उसी पे कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं तो कैपिटलाइजेशन रेट अपन इसके डेढ़ लाख ये थ्री पॉइंट फाइव लाख और ये वन लाख पे रिमेनिंग पीरियड के लिए कैलकुलेट करके निकाल देंगे अब कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलेगा तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है ट्वेल्व परसेंट और इलेवन परसेंट सेवन लाख और नाइन लाख का एवरेज रेट निकाल दिया अब यहाँ पर क्योंकि कहा है कि असेट रेडी हो गया इकत्तीस जनवरी को अज्यूमिंग की अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च होगा क्योंकि उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन हुए हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि इस सोल्यूशन में इंस्टीट्यूट ने गलती करी है कि स्पेसिफिक लोन जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है स्पेसिफिक क्वालिफाइंग असेट का उसके बाद उसे जेनरिक लोन माना जाता है यानी कि इफेक्टिवली फेबर मार्च में ये दो लाख ,00 का लोन जेनरिक लोन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए था और एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालते समय आपको दो लाख ,00 पे जो आपका ब्याज है नौ परसेंट का फॉर टू मंथ्स जोड़ना था ऐसा उन्होंने नहीं किया है तो इस सोल्यूशन में एग्जाम में आप वैसा ही करना जैसा इंस्टीट्यूट ने किया है बस एक नोट लगा देना कि हमने एज्यूम किया है कि स्पेसिफिक लोन वॉज रीपेड ऑन थी वैन इंस्टीट्यूट ने ऐसा लिखा तक नहीं है बहुत ही सिंपल सा मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन है परेशान कुछ स्टूडेंट हुए अगर इसमें क्योंकि क्वेरीज आती है व्हाट्सएप पर तो समझ आता है लेट मी क्लैरिफाई इस केस में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा और कंसोलिडेटेड में क्या होगा दो चीज़ें पूछिए ग्रुप है जिसमें पी पेरेंट है और उसकी तीन कंपनियां हैं रियल एस्टेट कंपनी ने दस लाख का लोन लिया सात परसेंट पर और क्वालिफाइंग असेट पंद्रह लाख चालीस हजार का खर्चा किया कहा है कि जेनरिक लोन था जो भी है सत्तर हजार रुपये पूरे कैपिटलाइज कर दो बोरिंग कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी से इसने काम करवाया है तो ये जो रियल एस्टेट कंपनी है ये अपना सारा काम कंस्ट्रक्शन कंपनी से कराती है और कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको दस मार्जिन जोड़ के चीज़ें देती है यानी ये या पंद्रह लाख चालीस हजार का काम कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है कंस्ट्रक्शन कंपनी की कॉस्ट चौदह चा। लाख फोर्टीन लाख रही होंगी और उसकी सेलिंग प्राइस फिफ्टीन पॉइंट फोर जीरो है जो सामने वाले की कॉस्ट है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क नहीं पड़ता है हम तो क्या बोलेंगे हमारी कॉस्ट फिफ्टीन फोर्टी है बोरिंग दस लाख है पूरी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दो जेनरिक बोरिंग मानते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तो कोई बोरिंग है ही नहीं तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी नहीं फाइनेंस कंपनी ने ट्वेंटी लाख सेवन परसेंट परानम में रेस किए और पेरेंट कंपनी को जनरल पर्पज के लिए दे दिया यानी स्पेसिफिक लोन नहीं और आठ परसेंट पे दिया तो यहाँ भी कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी तो एस एफ एस में सिर्फ सेवेंटी थाउजेंड बोरिंग कॉस्ट रियल एस्टेट कंपनी कैपिटलाइज करेगी मजा आएगा सी एफ एस में पूरा ग्रुप एक हो गया कोई भी स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है तो सारी जेनरिक बोरिंग है तो कैपिटलाइजेशन जेनरिक बोरिंग्स की कैपिटलाइजेशन रेट से होगा बोरिंग इफेक्टिवली पूरे ग्रुप में दो जगह एक सात परसेंट दस लाख की और एक फाइनेंस कंपनी की बीस परसेंट बीस लाख सात परसेंट पे आठ परसेंट इंटरनल ट्रांसफर है मतलब नहीं ग्रुप एज होल की कॉस्ट सेवन परसेंट है तो हम बोलेंगे हमारा एवरेज बोरिंग वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट सेवन परसेंट है तो जो टोटल क्वालिफाइंग असेड पे खर्चा हुआ है उस पर सेवन परसेंट कैपिटलाइज कर दें क्वालिफाइंग असेड पे खर्चा कितना हुआ है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने भी दस लाख रुपए का खर्चा क्वालिफाइंग असेड पे अपने कैश रिसोर्स से किया है तो ये दस लाख पर भी सात परसेंट कैपिटलाइज़ होगा और ये पंद्रह चालीस की बजाय ग्रुप की कॉस्ट चौदह लाख चालीस हज़ार है इस पर भी दस परसेंट कैपिटलाइज होगा तो टोटल टू लाख फोर्टी फोर थाउजेंड आपकी बॉरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज़ आपको करना पड़ेगी बेसिकली विल सॉरी सेवन परसेंट है ना कि टेन परसेंट तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी आपकी तो ये सेवेंटी थाउजेंड और इसके ऊपर सेवन परसेंट से जो वैल्यू आती है ये टोटल कैपिटलाइज़ होगा किसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चलिए कुल तो फोर्टीन लाख प्लस टेन लाख ट्वेंटी फोर लाख पे सेवन परसेंट सीधे निकाल सकते हैं इंपेयरमेंट ऑफ असेड में एक एनसीआई अगर प्रपोर्शनेट शेयर इन नेट असेड पर मेजर होती है और गुडविल में इंपेयरमेंट बुक करना होता है तो कैसे करते हैं इसकी बस ट्रिक सुन लो अभी आप क्वेश्चन अपना किया हुआ है ज्यादा आप इसमें ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको बेसिक फंडा समझा देता हूं सुन लो समझिएगा आपने एक कंपनी खरीदी सौ रुपये पे आपने उस कंपनी का लेट से फॉर एग्जांपल समझने के लिए फिफ्टी परसेंट ही खरीदा पर कंट्रोल आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह से तो सौ रुपये आपने दिए जो पचास परसेंट नहीं खरीदा उसकी फेयर वैल्यू अगर आप निकालते तो नब्बे रुपये आती तो मेरा पी सी एस सौ एन सी आई अगर मैं निकालता तो नब्बे की फेयर वैल्यू आती नेट एसेट उस कंपनी की समझो है एक सौ पचास की नेट आइडेंटिफाइबल मैं अगर पी एस एन ए पे जाता तो लेट्स से कीपिंग थिंग सिंपल इसको भी सॉल्व ले लेता हूँ मैं ठीक है पी एस एन ए पे जाता तो ये सेवेंटी फाइव होता अब समझिए फॉर एग्जाम्पल कि मैंने रिकवरेबल तो गुडविल निकाल लेते हैं चलो तो गुडविल कितनी आएगी तो सिंपल सी बात है टोटल 175 सेवेंटी फाइव माइनस वन की गुडविल आ गई आपकी पी एस एन ए मेथड से अब सपोज एक साल बाद इसके कैरिंग अमाउंट वगैरह सब सेम रहते हैं और रिकवरेबल अमाउंट सब्सिडी एज अ होल का 150 फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव वन सेवेंटी फाइव है लेट से फॉर एग्जाम्पल वन सेवेंटी हो गया सपोज तो अब आप क्या करोगे अब बोलोगे भैया पाँच रुपये का लॉस है पाँच रुपये का लॉस पूरा गुडविल से एडजस्ट कर दो सही बात है सपोज मैं बोलता कि यार नेक्स्ट ईयर मेरा रिकवरेबल अमाउंट लेट सार एग्जाम्पल वन फोर्टी रह गया अब इसकी असेट में क्या क्या है तो नेट आइडेंटिफाइबल असेट है इसकी 150 की गुडविल आपने बुक करी 25 की एन 75 था और आपका पी सी सौ था रिकवरेबल अमाउंट अब 140 बचा है अगर आप 175 140 कंपेयर करोगे तो आप क्या बोलोगे कि भैया यहाँ पे 35 का लॉस है 25 गुडविल से और 10 असेट से जो गलत हो जाए आपको इनफैक्ट अब ऐसे करना पड़ेगा कि आप क्या करिए आप लॉस निकालते समय सोचो कि अगर एन भी फेयर वैल्यू पे मेजर होती तो क्या होता तो हम कहेंगे कि भाई उस केस में देखो मेरा पीसी होता सौ एनसीआई होती हंड्रेड तो सब मिला के हो जाता दो सौ तो गुडविल मेरी कितनी कैलकुलेट हो जाती है उस केस में तो नेट आइडेंटिफाइबल अ है एक तो गुडविल हो जाती है पचास की अब आप बढ़िया लॉस निकाल लो तो अगर मैं कहता हूँ कि भैया मेरा रिकवरेबल अमाउंट लट से फॉर एग्जाम्पल कितना लिया था अपन ने पहली वाली सिचुएशन में तो लट्स से माई रिकवरेबल अमाउंट इन केस वन इफ आई टेक इज लेट्स वन सेवेंटी तो टोटल दो सौ है वन सेवेंटी या तीस का लॉस है ये तीस का लॉस क्योंकि फुल गुडविल होती है तो एन सी आई भी लॉस बियर करती है तो एन सी आई कितना बियर करेगी पंद्रह और हम कितना बियर करेंगे पेरेंट पंद्रह तो अब एन सी आई तो प्रपोर्शनड शेयर इन नेट एसेट है तो वो वाले लॉस को इग्नोर कर दो सिर्फ पेरेंट पंद्रह लॉस बियर कर ले और खत्म कर दो आगे बढ़ जाए तो थर्टी का फिफ्टी की जो गुडविल है ये एक्चुअल में फिफ्टी ही नहीं एक्चुअल में गुडविल आपकी पच्चीस आई थी पच्चीस में से आप पंद्रह का लॉस बुक कर लो आगे बढ़ जाओ लेकिन अगर सपोज यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट वन सेवेंटी की जगह वन फोर्टी होता तो लॉस आपका सिक्सटी आता तो सिक्सटी में से गुडविल से कितना एडजस्ट होता फुल गुडविल होती तो पचास और बैलेंस आपका कितना बचता दस ये पचास कैसे बटेगा पच्चीस पच्चीस और ये दस कैसे बटेगा पाँच पाँच एनसीआई को बैलेंस असेट का लॉस तो बियर करना पड़ेगा पर गुडविल का लॉस बियर नहीं करना है क्योंकि प्रोपोर्शनट शेयर इन नेट असेट आप इसको कई तरह से कान पकड़ सकते हो इंस्टीट्यूट ने जो सोल्यूशन दिया उसमें पहले गुडविल फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं एनसीआई को तो कितनी आती लॉस कितना था कितना गुडविल कितना असेट गुडविल का जो लॉस है उसमें जो एनसीआई का हिस्सा है वो इग्नोर कर दो क्योंकि एनसीआई फेयर वैल्यू पे ही नहीं पर जो असेट में लॉस है उसका एनसीआई का जो हिस्सा है वो एनसीआई को दे दो तो. तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब शेयर इन मेथड यूज किया जाता है तो वहां पे आपकी गुडविल फुल नहीं होती है पार्शियल होती है तो लॉस अगर इंपेयरमेंट का गुडविल में आता है तो वो पूरा पेरेंट बियर करता है पर अगर गुडविल के अलावा एक्स्ट्रा लॉस आ गया असेट से रिलेटेड तो फिर वो दोनों को बियर करना पड़ता है चलिए इंडियस टेल्थ इनकम टैक्स के अंतर्गत राइट ऑफ यूज असेट और लीज लाइबिलिटी केस में डेफर्ट टैक्स कैसे बनेगा सिंपल सी टिप ध्यान रख लेना इनकम टैक्स में अगर आपको कहा है कि जैसे जैसे रेंट दोगे वैसे वैसे या जो जो रेंट दियोगा उतना खर्चा मिलते जाएगा तो वहाँ कोई कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बनेगा ही नहीं क्यों क्योंकि ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं लेसी की तो लेसी की बुक्स में बोला है कि जो रेंट दिया बस वो रेंट का खर्चा है बाकी कोई असेट का डिप्रिसिएशन आपको नहीं देंगे सपोज इनकम टैक्स ऐसा कहता है पर बुक्स में आप देखोगे तो आपकी लीज़ लाइबिलिटी आएगी लेसी की बुक्स में क्योंकि लेसी में तो सब फाइनेंस लीज जैसे ही है तो लीज़ लाइबिलिटी भी आएगी और आर ओ यू असेड भी आएगा तो यहाँ क्या करना एसेट और लीज लाइबिलिटी का नेट अमाउंट निकाल लेना समझो आरोट दो सो लीज लाइबिलिटी वन नाइनटी है तो नेट कितना आ गया दस का असेट टैक्स बेस क्या मानना जीरो तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस कम है तो काल बना देना डिफरेंस पे जो भी आपका टैक्स रेट है उससे तो नेट करके कैलकुलेशन करना स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड एक बढ़िया क्वेश्चन है शेयर बेस पेमेंट अगर आपने अपने एम्प्लॉज को दिया है तो उसमें आप अपनी बुक्स में खर्चा बुक करते पर हो पर एक्सपेंस डेबिट होके क्रेडिट रिजर्व होता है आपने इंड ट्थ में पढ़ रखा है कि हम सिर्फ असेट और लाइबिलिटी के कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस पे डीटीए डी टी बनाते हैं हम डीटीए डी टी नहीं बनाते हैं किस पर इक्विटी में अगर कोई डिफरेंस आता है तो आई हैव बेसिकली अ रिजर्व हियर हेंस आई विल नॉट क्रिएट अ डी टी ऑन द शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनकम टैक्स में अगर आपको एस यानी कि हिसाब्स का डिडक्शन मिल रहा है तो समझ लो कि आपकी बुक्स में लाइबिलिटी नहीं बुक हो रही है पर इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल रहा है तो डीटीए आपको कहता है कि आपको डिडक्शन में जैसे जैसे खर्चा बुक होगा वैसे वैसे नहीं दूंगा आखिर में दूंगा जब एक्सरसाइज हो जाएंगे तो ऐसे केस में आप क्या करना आपको करना यह पड़ेगा कि सपोज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दिस पर्टिकुलर केस जैसे एक करोड़ के ऑप्शन है चार करोड़ की वर्थ है दो साल का वेस्टिंग पीरियड है दो दो करोड़ का खर्चा है इनकम टैक्स बोलता है कि इंटरेंसिक वैल्यू जो एक्सरसाइज डेट पे रहेगी उतना मैं आपको खर्चा डिडक्शन दे दूंगा अच्छा इंटरेंसिक वैल्यू फर्स्ट ईयर एंड में वन करोड़ थी और सेकेंड ईयर एंड में फोर करोड़ हो गई तो इनकम टैक्स में अपने को कब खर्चा मिलेगा सेकेंड ईयर एंड पे फोर करोड़ अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए तो ये कहा कि ऑप्शन एक्सरसाइज भी हो गए अब देखो जब डिडक्शन मिल गया इनकम टैक्स में तो कोई टाइमिंग डिफरेंस या टेम्प्रेरी डिफरेंस बचा नहीं बचेगा कब फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर में आप क्या मानना कि 1.6 से अगर इंट्रेंसिक वैल्यू है आज और यही आगे रहेगी तो इनकम टैक्स वन का डिडक्शन देगा दो साल बाद टोटल होने पर अभी एक साल हो गया है तो पॉइंट का मेरा बनता है तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि भैया पॉइंट का अगर आपका डिडक्शन बन रहा है इनकम टैक्स में आज नहीं अगला साल पूरा होने तो पर इनकम टैक्स में आपकी आप बुक्स में लाइबिलिटी तो आएगी नहीं तो मान लो कि आपको एक, मिलने वाला है। तो ये एक तरह का आपका क्या हो गया है टैक्स बेस विच इज लाइक एन अट फॉर यू बिकॉज यू आर गोइंग टू क्लेम डिडक्शन बट दर इज नो करस्पॉन्डिंग असेट विच इज देर इन द बुक्स फॉर इट आपको बुक्स में कोई असेट रिकोगनाइज नहीं किया जिसका खर्चा बुक होना बाकी है। Asset का मतलब क्या होता है भाई बुक्स में अगर मशीन आ रही है तो आगे खर्चा बुक होगी तो खर्चा बुक बुक होना बाकी तो तो नहीं पहले साल खर्चा कर तो इस है। तो दिया इसके मैंने तीस परसेंट से पॉइंट टू फोर का डी टी ए बनाना पड़ेगा ये लॉजिक एक्सप्लेनेशन दिया पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस कंफ्यूज मत होना अगर ए बी ग्रुप कंपनी है और ए बी को कोई इन्वेंट्री बेचता है लेट्स से यूरो में एक यूरो की इन्वेंट्री दी उस दिन रेट था अस्सी तो सामने वाला उसे अस्सी रुपए में रिकॉर्ड कर लेगा उसकी फंक्शनल करेंसी रुपी है बेचने वाला तो क्या करेगा अपनी बुक्स में डेटर दिखा देगा सामने वाला क्रेटर दिखाएगा डेटर ग्रेटर ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट में आएंगे कंसोलिडेशन में कैंसिल हो जाएंगे जो इन्वेंट्री है वो जिसके पास है वो उसे अपनी कॉस्ट पे बुक करेगा ख़त्म तो जो क्लोजिंग रेट होंगे उसका इन्वेंट्री पे कोई इंपैक्ट मत दे देना अनलेस एन अंटिल उससे उसकी एनआरवी कम हो रही है बस ये चीज यहां पर समझाई गई चले इसके अलावा एक ये अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है आपको सिंपली समझा देता हूं सपोज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक जनवरी दो को आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आपने बीस मिलियन का एडवांस रिसीव कर लिया है डॉलर में टोटल पैसा पचास मिलियन है यानी तीस मिलियन बा, मिलना बाकी है तो क्या माल बेच दिया है नहीं गुड्स डिलीवर इकतीस मार्च को आएंगे और पैसा एक दिन बाद अगले साल के शुरू में थर्टी मिलियन बचा हुआ मिलेगा यानी एक तरह से आपको एडवांस मिल गया है ट्वेंटी मिलियन यूएस डॉलर का कब एक जनवरी को इकतीस मार्च को आपकी सेल होगी फिफ्टी मिलियन वर्थ गुड्स की और एक अप्रैल को आपको बैलेंस रिकवर हो जाएगा थर्टी मिलियन का सेल का ट्रांजैक्शन कब होगा यहां पे तो सेल क्या रेट पे बुक होना चाहिए स्पॉट रेट कौन सा 31 मार्च का क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्टी मार्च का स्पॉट रेट 75 है तो क्या सेल 75 पे बुक होगी द आंसर इज नो क्योंकि जब एडवांस मिलता है तो जितना एडवांस मिल चुका है उस पर जो एडवांस मिलने की रेट होती है वो स्पॉट रेट ट्रांजेक्शन की रेट मानी जाती है तो सेल बुक होगी ट्वेंटी मिलियन की सेवेंटी टू और बचे हुए थर्टी मिलियन की सेवेंटी फाइव से और पे ही डेटर आएगा अगले दिन अगर कोई वैल्यू कम ज्यादा तो वो डेटर का गेन लॉस हो जाएगा चलिए ईपीएस का का क्वेश्चन है ऑपरेशन जिसके अंतर्गत सिंपल छोटी सी बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपके कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से तीस लाख ,00 के प्रॉफिट है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से थर्टी सिक्स लाख का लॉस है तो ओवरऑल छह लाख का लॉस है दस लाख शेयर है तो आपको तीन ईपीएस निकालना पड़ेंगे कंटिन्यूइंग का ईपीएस आएगा आपका तीन डिसकन्टिन्यूड का 3.60 नेगेटिव भी आता है और टोटल आएगा 0.60 नेगेटिव अब ये बोलते हैं दो लाख डाइल्यूटिव पोटेंशियल शेयर है एक जनरल चीज़ अपन ने क्लास में कई बार पढ़ी है कि लॉस के केस में कोई शेयर डाइल्यूटिव नहीं होता है क्योंकि कोई भी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर अगर आएगा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर डाइल्यूटिव लॉस में नहीं होगा क्योंकि अगर वो शेयर में कन्वर्ट होगा तो लॉस पर शेयर कम होगा जो खुशी की बात है लॉस कम होना खुश अच्छी बात है तो यहां पे ये होगा कि इनके कन्वर्जन से आपका बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन तो गिरेगा बट आपका टोटल ऑपरेशन या डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशन का ईपीएस नेगेटिव में गिरेगा यानी बेहतर हो जाएगा तो क्या मुझे गिराना है या नहीं तो हमेशा डाइल्यूटिव है या नहीं पोटेंशियल शेयर ये कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन पे देखा जाता है तो अगर आपकी जगह दस की जगह बारह लाख के, के शेयर हो गए तो आपका बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कम हो जाएगा और ये टू पॉइंट फाइव हो जाएगा तो ये डाइल्यूटिव है और अगर ये डाइल्यूटिव है तो आपको डाइल्यूटेड ई निकालना है और तीनों निकालना है तो ये टू पॉइंट फाइव होगा ये थर्टी सिक्स ट्वेल्व यानी थ्री पर शेयर हो जाएगा और ये पॉइंट सिक्स ट्वेल्व यानी माइनस पॉइंट फाइव पर शेयर हो जाएगा टेक्निकली माइनस पॉइंट फाइव इज बेटर देन माइनस पॉइंट सिक्स यानी डाइल्यूटेड ई बढ़ गया जो नॉर्मली होता नहीं है पर ऐसा हो सकता है ठीक है सिमिलरली उल्टा होता कंटिन्यूड ऑपरेशन में लॉस हो, होता कंटिन्यूंग ऑपरेशन में लॉस होता तो सीधे बोल देना पोटेंशियल ऑर्डनरी शायद नेचर के हैं डल्यूटेड ईपीएस बताना ही नहीं ये उसका क्वेश्चन चलिए इंडेस वन के कोई ऐसे खास क्वेश्चन नहीं है इसमें दो तीन चीजें बस आप मैं फटाफट बता देता हूँ इसमें जो ध्यान रखने की आपको ए कंपेरेटिव एक से ज्यादा साल के देने में कोई दिक्कत नहीं है पी एंड एल में तीन कंपेरेटिव बाकी में दो कंपेरेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोवाइडेड वो एस पर इंडेस बनाए गए हूँ स्टैंड अलोन वगैरह शब्द वगैरह ऐड करना कंपलसरी नहीं है समझाने के लिए कर देना चाहिए टर्नओवर अगर सौ करोड़ से ज़्यादा है तो मैंडेटरी है कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा राउंड ऑफ एक करोड़ इन करोड्स करना पड़ेगा ये ऑप्शनल नहीं है करना ही पड़ेगा करंट नॉन करंट में ध्यान रखना डेटर्स के केस में एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव देते हैं पर लाइवलिटी के केस में ड्यू टू बी पेड देखते हैं उसके बेसिस पे करंट नॉन करंट होगा उसके ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस देना है जो ऐड हुए थे चलिए तो वो देखे होंगे आपने एनी वेज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट लॉजिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इकतीस मार्च को मेरे पास एनवलप की इन्वेंट्री थी मुझे अप्रैल में पता पड़ा कि ओ हो हो पानी में हो तो गीली हो गई तो गीली तो पहले ही हो गई थी तो खराब तो हो चुकी है तो अब आपको पता पड़ा है तो ये एडजस्टिंग इवेंट है अब आप सोचो आज इसको मैं बेचूंगा तो कितने में बिकेगी कितना खर्चा होने के बाद अब क्या एनआरवी इसकी लग रही है रियलाइजेबल उतने पे आपको इसको वैल्यूबर तो नॉर्मली एनआरवी इज डिफरेंट फ्रॉम एफ एम बी एफ एम बी थर्टी फर्स्ट मार्च की देखते हैं पर एनआरवी इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जिसमें आप सोचते हो कि मैं जब इसे बेचूंगा तो कितने में बिकेगी ना कि आज इकतीस मार्च पे ये कितने में बिक रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी थर्टी फर्स्ट मार्च की इन्वेंट्री पंद्रह दिन बाद ही बिकने वाली है तो आपको सोचना है पंद्रह दिन बाद क्या एनआरवी होगी और आपको इस दौरान मालूम पड़ता है कि यार कोई चीज़ और हुई है जिससे और इसकी वैल्यू गिर गई है तो वो गिरावट और कंसिडर करना है या बढ़ गई है तो बढ़ना भी कंसिडर करना कैश फ्लो में बस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कॉम्प्रहेंसिव इसमें एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना एग्जाम में खैर ये पूछ भी चुके हैं क्वेश्चन जब भी कोई कैश फ्लो का क्वेश्चन आए और उसके अंदर कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन हो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो पीसी देते हैं वो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो होता है बस उसमें अगर कोई कैश और कैश इक्विवेलेंट उस कंपनी का आपके पास आया है तो वो माइनस करके जो नेट अमाउंट होगा उसे इन्वेस्टिंग आउटफ्लो दिखाना नंबर वन और नंबर टू ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली आपको दो सात की बैलेंस शीट देंगे तो जैसे इन्वेंट्री आपकी आज पंद्रह सौ पचास से पहले उन्नीस सौ थी नॉर्मली क्या होता है अगर इन्वेंट्री कम हुई है तो ये कैश इनफ्लो माना जाता है वर्किंग कैपिटल में करंट असेड कम हुए इसमें पहले आप जो आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में इन्वेंट्री आई है उसको हटाना फिर कैश फ्लो का इफेक्ट देना तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेंट्री आई है सिक्सटी लाख की तो अगर मैं ये हटा दूँ तो ये फोर्टीन नाइन्टी बचेगा तो वर्किंग कैपिटल कैश इनफ्लो मैं पांच सौ दस का बता दूंगा चार सौ दस का बता दूंगा तो ऐसे ही बाकी सबके लिए होगा बाकी सब कुछ नॉर्मल जैसा होता है वैसा है इसमें एक पॉइंट ये था तो मुझे बताना था ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आपने किसी कंपनी का सत्तर परसेंट शेयर खरीदा है और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है तो जो पैसा आपने दिया है वो आपका इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है अगर आपने नॉन कैश कंसिडरेशन दिया है तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो ही नहीं होगा डिस्क्लोजर में ज़रूर देना पड़ता है इसमें अगर आपके पास कोई कैश और कैश इक्वलेंट उसके आ गए तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा जो नेट होगा वो इन्वेस्टिंग आउटफ्लो फिर आपने 10 परसेंट स्टेक ऑल लिया तो इसे ट्रांजैक्शन विद इक्विटी पार्टिसिपेंट मानते हैं इसलिए इसे फाइनेंसिंग आउटफ्लो मानना यानी सब्सिडरी में और शेयर खरीदे या शेयर बेचे पर कंट्रोल नहीं गया तो इससे जो पैसा गया या आया ये दोनों फाइनेंसिंग आउटफ्लो या इनफ्लो में आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ध्यान रखना कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है और डैमेज होने के कारण इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिलता है तो डैमेज होने का लॉस अलग बुक करना और जो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मिला है उसे अलग से इनकम दिखाना नेट करके मत बताना ऐसा इंडेज सिक्सटीन चाहता है गवर्नमेंट ग्रांट में इंस्टीट्यूट नॉर्मली ऐसा मानता है कि गवर्नमेंट ग्रांट डेफर कर रहे हो तो जो अगले साल रिवर्स होने वाली है वो करंट लाइबिलिटी है और जो उसके बियॉन्ड होगी वो नॉन करंट लाइबिलिटी है जबकि रिफंडेबल दोनों ही नहीं है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि आप को फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट तो कहा गया है कि भैया दस हज़ार फिक्सड है और दो हजार मेट्रिक टन में साल में बनाता हूं तो पाँच सौ मेट्रिक टन एक क्वार्टर का हो गया तो अगर किसी क्वार्टर में पाँच सौ से कम बनाए तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट तो वही रहेगी तो फर्स्ट क्वार्टर में आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या रहेगी तो दो दस हज़ार रुपये साल की है

कि शुरू से अभी तक मेरी कॉस्ट कितनी है पांच हज़ार और शुरू से अभी तक मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना हज़ार तो पांच पर यूनिट है तो इनफैक्ट आपने प्रीवियस क्वार्टर में क्या किया होगा कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी थी दो हज़ार पर आपने पच्चीस सौ की होगी 500 सौ का लॉस बुक किया होगा क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ तो आप उसको गेन बुक करके आप इन्वेंट्री में पाँच सौ रुपया एड कर सकते हो फिर ये पाँच सौ ही हुआ है तो फाइव पर यूनिट ही रहेगी पर ये 400 हो गया तो अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा जो रिमेनिंग 500 सौ कास्ट है आप पे ढाई हज़ार कास्ट है वो लास्ट क्वार्टर में बुक करना होगी क्योंकि ईयर टू डेट बेसिस पे 10000 पूरी बुक हो जाना चाहिए वो कर देना तो घुमा फिरा के कहने का मतलब है कि एस्टिमेट कभी भी चेंज होता है तो ईयर टू डेट बेसिस पे होता है अच्छा एक इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और छोटी सी चीज़ ध्यान रख लेना कि अगर फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर अलग अलग है सॉरी फाइनेंशियल ईयर आपका अकाउंटिंग ईयर नहीं है तो अकाउंटिंग ईयर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ईस्ट जनवरी टू डिसम्बर और फाइनेंशियल ईयर आपका असेसमेंट ईयर होता है अप्रैल टू मार्च सपोज आपका जनवरी से मार्च तक टैक्स रेट थर्टी परसेंट था और बाद में पच्चीस परसेंट हो गया तो एक क्वार्टर में थर्टी और अगले तीन क्वार्टर में पच्चीस 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 है तो सबका एवरेज निकाल के जनवरी का खर्चा बुक नहीं करना बहुत पहले ऐसा करते थे आपको क्या करना है फर्स्ट क्वार्टर का जो आपका प्रॉफिट है उसका तीस आपको टैक्स एक्सपेंस बुक करना है सेकेंड क्वार्टर में पच्चीस यानी उस क्वार्टर का जो टैक्स रेट है वो देखना है उस क्वार्टर में दो टैक्स रेट हो तो फिर एवरेज करना पड़ेगा चलिए देन वी हैव अ क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आई जस्ट एक्सप्लेन यू वॉट दिस क्वेश्चन वाज कंपनी कंस्ट्रक्शन में थी और उसने कोई एक प्रॉपर्टी अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह से ले रखी थी ये प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी लच्छे दो करोड़ में और उस पर ब्याज लीज रेंटल कमा रहा था बाद में उसकी इच्छा हो गई कि भाई अब इस प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा सबसे खाली करवा लिया उसने इकतीस मार्च को डिसाइड किया सबसे विकेट करा लिया तीस सितंबर को और अब फ्लैट बना बना के बेच रहा है साठ लाख का खर्चा कर दिया अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेंट्री बन गई है आपको कैरिंग अमाउंट पर जिस दिन आपका चेंज इन यूज का इंटेंशन नहीं एक्चुअल चेंज इन यूज हुआ है उस दिन आपको इसे इन्वेंट्री क्लासिफाई कर एक्चुअल में आपने 30 सितंबर का इसका यूज चेंज किया जब लोगों ने खाली कर दिया तो आप थर्टी को इसे इन्वेंट्री क्लासीफाई करोगे वैल्यू इससे मतलब फिर जो साठ लाख का खर्चा वो एड करके आप इसे इन्वेंट्री में अपनी बुक्स में लेके आओगे वो ऑर इज लेस चले नॉन करंट सेल्ड फॉर सेल एंड ऑपरेशन से रिलेटेड आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉट दे हैव डन इज देव गिवन की एक डिवीजन बेचने का हमने सोचा है और ये प्रपोज सेल में गुडविल वगैरह सब बेच देंगे गुडविल साठ हज़ार थी पी पी आपकी दो बीस लाख है और इन्वेंट्री दस लाख है इसको एक्टिवली मार्केट करना शुरू कर दिया है लग रहा है बत्तीस लाख मिलेंगे ऐसे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको एनी विचवेज तो नथिंग मच ऐसा जिसमें बस बोला गया है कि आप कैसे अकाउंट फॉर करोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन है आप इसको खुद देख के भी कर सकते हो ऊपर से तो क्वेश्चन में प्रमेरिली किया गया है यहाँ पर तो इफेक्टिवली आपको नॉन करेंट असेड हेल्प फॉर सेल में पहले गैरिंग अमाउंट निकाल लेना वोर फेयर वैल्यू विच इज लेस मेजर सॉरी वो और नेट फेयर वैल्यू विच इज लेस पे मेजर कर लेना प्रोवाइडेड ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्लासिफाई होना चाहिए या यासेट हेल्प फॉर सेल होना चाहिए इस केस में असेट हेल्प फॉर सेल कब होगा तो दिस विल प्रमेरली बेसिकली आप अगर आपको श्योर है कि आप बेच दोगे एक साल में सेल कंप्लीट कर लोगे एक्टिवली आपने मार्केट ढूंढना शुरू कर दिया ये दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी अज्यूम कर लिया क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो थोड़ा याद रख लेना सेम क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो डिस ऑपरेशन ले चलिए तो दैट्स अबाउट इट इसके बाद 101 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई वुड नॉट स्ट्रॉगली सजेस्ट कि अब इसको भी आप बहुत ज्यादा फोकस करें अभी तक एज सच फर्स्ट टाइम्शन से रिलेटेड लंबे चौड़े सवाल पूछता नहीं चलिए सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो ए इज जस्ट टू काइंड ऑफ एम्फेसाइज वंस अगेन ऑन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम श्योर अ डे बिफोर द एग्जाम यू विल ट्राई टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दैट इज द पर्टिकुलर रीजन कि मुझे लगा कि ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ पॉसिबली कुड हैव बीन शेयर अ डे अर्लियर ऑल्सो बट नेवर द लेस ये आपको ऑप्शनल बेसिस पे देखना है यू कैन यूज द टाइम्स टाइम्स टू योर ओन फेवर विशू ऑ ऑल द वे बेस्ट पेपर के बाद फीडबैक दीजिए शेयर करिएगा हावेवर इफ यू कैन कॉन्सन्ट्रेट इमीजिएटली ऑन योर नेक्स्ट पेपर विदाउट लुकिंग हिर एंड दैन देन अदर बेटर डू दैट बट दो पाँच मिनट भी कभी आपकी इच्छा होती है तो एक बार मैसेज जरूर करिएगा एन विच वेज विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेरी वेल और उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया फ्लाइंग कलर्स से पास करेंगे एक ग्रुप कर रहे हैं तो एक ग्रुप दोनों ग्रुप कर रहे हैं दोनों प्लेसमेंट्स के लिए फिर आपसे मुलाकात करेंगे फास्ट करियर के कैंपस में और फिर मौका लेंगे एक बार आपकी सेवाओं का Thank you very much.